नमस्कार साथियों, मुझे लगता है कि आप लोग जब सामान्य ज्ञान MPE का पढ़ते होंगे, जिसे आप लोग MPE स्पेशल भी कह देते हैं, MPE JK भी कह देते हैं, तो मुझे लगता है उसमें आप लोगों ने एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों के बारे में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इससे आप समझिए कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में, फिर चाहे आपका MPBSC हो प्रीलिम्स, या फिर MPSI, MP पुलिस, और भी आपके जो भी व्यापम एग्जाम करवाता है, या फिर आप लोग वहाँ भी देखते होंगे जहाँ MPGK से आपके क्वेश्चंस आते हैं, उन परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और धार्मिक स्थलों के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछता है, और जो भी आपके महत्वपूर्ण मेले हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछता है। और एक क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कई बार कि जो आपकी समाधियाँ हैं, मकबरे हैं, या फिर जलप्रपात हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ा होगा, और कई बुक्स से पढ़ा होगा, और कई जगह से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कोई विस्तार में बात नहीं करेंगे इस टॉपिक के बारे में, हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं आपकी। और इनमें याद रखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कौन से पॉइंट हैं वो जो आपको याद रखना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, समझ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को हम लोग बात करेंगे। और पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों से कि आपके हम लोग काफ़ी ख़त्म भी कर चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, इससे मध्य प्रदेश के इतिहास से आपके क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय हो गया, उससे क्वेश्चंस आपके किस तरह के पूछे जा सकते हैं, या फिर आपकी जो भी आपकी जो साहित्य शिल्प, जिसे आप लोग संस्कृति आर्ट एंड कल्चर कह देते हैं, उससे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कम से कम आपके पास उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होना चाहिए, और कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर पुराने होना चाहिए। इससे क्या रहता है कि एक अंदाज़ा लग जाता है, जब आप लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपने अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा होंगे तो उसमें पूछ लेता है कि मान सिंह की समाधि कहाँ है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, सिंधिया की समाधि कहाँ है, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। ये मेला आपका कहाँ लगता है, वो मेला कहाँ लगता है, ये जलप्रपात कहाँ है, इस तरह के आते हैं या नहीं आते हैं। तो इन सब से आपकी जितनी भी क्लासें ली जा रही हैं वो आपकी MPGK इम्पोर्टेंट फैक्ट के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डली हुई है, वहाँ आप लोग जाके देखते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आखिर क्वेश्चंस किस किस तरह के बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि बात कर भी लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस आए और आप लोग छोड़ के चले आए। तो इसमें आप देखेंगे कुछ आपकी नीतियाँ भी हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रथम पर्यटन नीति आपकी कब आई थी मध्य प्रदेश में, तो ये है 1995 की बात, 1995, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। ये तो आपसे ऑनलाइनर में ही क्वेश्चंस पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति कौन सी थी, तो 1995 में आई थी, ठीक है, और ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप देखिए इको एडवेंचर पर्यटन नीति, ये सन 2000 की बात है, और आप जानते हैं हेरिटेज पर्यटन नीति सन 2002 की बात है, तब आई हुई थी, ठीक है, और ये आप याद रख सकते हैं। कुछ आपके निगम भी पूछ लेता है, जैसे राज्य पर्यटन विकास निगम इसकी स्थापना कब हुई थी, विकास निगम की, तो आपको और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब कोई संगठन या कोई संस्था बनाई जाती है तो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही बनाई जाती है। तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 1978 में हुई थी, कब, 1978 में, और इसका उद्देश्य यही है कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश हो या भारत की GDP कहाँ की भी हो, पर्यटन क्षेत्र का काफ़ी महत्व है हमारी GDP में, और काफ़ी अच्छा योगदान भी देता है, कई लोगों को रोजगार भी देता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2005 में, ठीक है, और जो आपका मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट है ना 1973, इसके तहत हुई थी।
तो ये तो आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ ले कि जो आपका राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बता देना 1978 हो गई। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी आप लोग बता देना 22 जुलाई 2005 में हुई थी, माफ करिए 12 जुलाई 2005 को। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए इसकी स्थापना हुई थी 22 फरवरी सन 2017 को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग, मैं आपके सर्वाधिक देखा जाने वाला मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल कौन सा है, तो आप लोगों को मालूम है कि खजुराहो है, चंदेल शासकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और याद रखिए यहाँ काफ़ी अच्छे आप लोगों को घूमने के लायक भी जगह है, ये छतरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जाकर यहाँ भी घूम आया करिएगा, इससे दो फैक्ट आपके दो काम होते हैं, एक तरह से आपके भी दो उद्देश्य पूरे होते हैं, एक तो आपकी घुमाई हो जाती है, दूसरा आपका इतिहास भी कंप्लीट होता है। तो कभी भी जगह मिला करिएगा, हो आया करिएगा। वैसे भी आप लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में कई जगह हैं, चंदेरी, खजुराहो, चित्रकूट, भेड़ाघाट, अमरकंटक, महेश्वर, महाकालेश्वर। ठीक है, ये काफ़ी पंचमढ़ी, इन्हें भी आप लोग देख आया करिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पर्यटन कैबिनेट गठित करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये था मध्य प्रदेश, एमपी। क्या है, क्या पूछ रहा है, पर्यटन कैबिनेट गठित करने वाला पहला राज्य कौन था, एमपी। एमपी का मतलब आपके सांसद नहीं है, एमपी का मतलब है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आप लोग, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थल हैं जिनमें आप लोग हिल स्टेशन के नाम भी सुनते हैं। सबसे पहले आप लोग सुनते हैं पंचमढ़ी। क्या, पंच मढ़ी, यहाँ आप लोग देखते हैं काफ़ी आप लोगों के लिए घूमने के लिए अच्छी जगह भी है। और यहाँ को क्या क्या खास है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग बता देते हैं, ये सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चंस कई बार आपका डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ आप लोग देखेंगे कि पांच कुटिया भी देखने को, गुफाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पांडवों ने एक वर्ष का एक तरह से रहे थे पांडव अपने वनवास के दौरान। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी की रूप ऑफ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की छत किसे कहते हैं, तो पचमढ़ी को ही। मध्य प्रदेश की छत किसे कहते हैं, पचमढ़ी को ही। और आपके आपकी छत किसे कहते हैं, आपके ऊपर जो छत होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग किसी भी तरह से याद रखिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ और भी आपके हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ आपके पचमढ़ी में, जैसे आप देखते हैं पुलिस प्रशिक्षण शाला भी है आपकी राज्य की। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाला कहाँ है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए पचमढ़ी। ठीक है, और याद रखिए पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पचमढ़ी को, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ और भी यहाँ दर्शनीय स्थल हैं जिनमें आप लोग इन्हें भी याद रखिए, थोड़ा याद इसलिए रखा करिएगा कि इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो हांडी खो घाटी, ये भी आपकी पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शनी पॉइंट, ये भी आपका पंचमढ़ी में देखने को मिलेगा। चौरागढ़ चोटी, राजेंद्र गित्ती चोटी, जम्बू द्वीप हो गया, अप्सरा जलप्रपात, मधुमक्खी झरना, रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, पांडव गुफाएं, रीछ ग्रह गुफा, हार्पर की गुफाएं, जटाशंकर की गुफाएं, भरत मीर की गुफाएं, अप्सरा गुफा, राजेंद्र गित्ती उद्यान, भीम कोठरी, माड़ादेव रॉक पेंटिंग, रीछगढ़, बेगम पैलेस, संगमंटूर, मट्टूर, सरदार गुफा, द्रौपदी कुटी, रविशंकर भवन, रोमन कैथोलिक चर्च, इको पॉइंट, सुषमासा, ये सभी आपके पचमढ़ी में ही देखने को मिलेंगे। कहाँ, पंचमढ़ी में। ठीक है, होशंगाबाद जिले में पड़ती है। ठीक है, एक आप लोग सुनते हैं अमरकंटक के बारे में, इससे भी आप लोग देखते हैं क्वेश्चंस आ जाते हैं अमरकंटक। ठीक है, एक तो आप लोगों को एडजस्ट करना होगा, ए एफ्स जो भी आपका वाइट बोर्ड है
बड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से प्रॉब्लम करता है। एक तो छोटा सा है, टैबलेट में कितना लिखने के लिए बन सकता है, अमरकंटक। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अमरकंटक की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अनूपपुर जिले में। ये आप लोग याद रखिए डायरेक्ट, ठीक है, अनूपपुर जिले में। और याद रखिए इसका पौराणिक नाम एक और है, इसका अमरकंटक का त्रक्ष पर्वत भी कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ आप लोग देखते हैं कि नर्मदा, सोन, जोहिला, इन तीन नदियों का संगम होता है। कई बार आपको ऑप्शन दे देता है कि किन तीन नदियों, इनमें से किन तीन नदियों का संगम आपका अमरकंटक के पास होता है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसमें नर्मदा भी आपकी शामिल है, सोन भी शामिल है, जोहिला भी शामिल है, ठीक है। और कुछ आपको यहाँ दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा जलप्रपात हो गया, सोन मुड़ा, माई की बगिया, कबीर चौराहा, भृगु कमंडल, पुष्कर बांध, ये सभी यहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि पवित्र धार्मिक स्थल होने के कारण अमरकंटक को तीर्थ राज भी कहते हैं, तीर्थ राज, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। यहाँ आप लोग देखते हैं नर्मदा कुंड हो गया, सोन मुड़ा, चरणोदक कुंड, ठीक है, ये भी आपसे अगर पूछे तो धुनी पानी, जलेश्वर महादेव मंदिर, सबरी माता मंदिर, कर्ण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, 11 रुद्र मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर, कबीर चबूतरा, ये सभी आपको अमरकंटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। आगे है आपका खजुराहो। कुछ स्थलीय मतलब इतिहास के स्थल हैं ये। खजुराहो चंदेल शासकों से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? क्या है खजुराहो? खजुराहो, और ये कहाँ पड़ता है? छतरपुर जिले में, ठीक है। तो आप में से कई लोग होंगे भी यहाँ। छतरपुर जिले की बात करें तो इसके बारे में कुछ अच्छे पॉइंट हुआ करें तो आप लोग भी बता दिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ से रह रहे होंगे उस जगह तो आपको ज़रूर मालूम होगा। तो ये है आपका छतरपुर जिले में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि चंदेल शासकों के समय के यहाँ जो भी मंदिर मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे, और इसमें अधिकतर मंदिर आप देखेंगे बड़े बहुचर्चित भी हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर, 64 युगनी मंदिर, ये भी काफ़ी, समझ रहे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और जो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, इसने भी खजुराहो का वर्णन किया था। वहाँ यहाँ दर्शनीय स्थलों की बात करें तो आपको बता चुका हूँ कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपका खजुराहो में ही देखने को मिलेगा, 64 युगनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मांतिगेश्वर मंदिर, पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, दक्षिण समूह में दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ऐसे भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेंगे। बेनी सागर बांध और स्नेह प्रताप भी आप लोगों को खजुराहो में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोग सुनते हैं मांडू के बारे में, तो सुना होगा क्या मांडू? इसकी भी बड़ी चर्चित कहानियां हैं, आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे इसके बारे में। और याद रखिए इसके बारे में बात करें तो ये धार जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ? धार जिले में, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है, धार जिले में देखने को मिलेगा। और आप सभी को मालूम होगा ये मांडवगढ़ को ही आप लोग मांडू कह देते हैं, और इसके प्राचीन अगर पुराने नाम की बात करें तो मंडाप दुर्ग भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग सिटी ऑफ ज्वाय, ये कई बार पूछ लेता है, सिटी ऑफ ज्वाय किसे कहते हैं? मांडू को। महलों की नगरी भी मांडू, करीमा बाग, मछली नगरी भी आपकी मांडू ही है। तो इन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस शहर को आप लोग, किस एक तरह से आप कह सकते हैं स्थल को आप लोग मछली नगरी कहते हैं या महलों की नगरी कह देते हैं, तो इन सभी को आप लोग याद रखिए। और यहाँ के एक तरह से जो पार्श्वनाथ का मंदिर है ना आपका मांडू में, इसे चंद्र सिंह ने बनवाया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, राजा हुआ करते थे यहाँ के। और ये भी आप लोग याद रखिए कि परमार शासक जयवर्धन द्वितीय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसने अपनी राजधानी भी धार से लेकर मांडू शिफ्ट की थी। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज की सिटी का पुरस्कार भी मिला है मांडू को, ठीक है। और मांडू से आपकी एक और कहानी जुड़ी हुई है, बाज बहादुर और रूमती की कहानी आप लोग सुनते रहते होंगे, ठीक है। यहाँ की अगर हम लोग कुछ दर्शनीय स्थलों की बात करें तो आप लोग कभी जाएं
और ना जाए तो आप लोगों को कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि मांडू में क्या क्या है। तो मांडू का परकोटा भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसमें आपको 12 दरवाजे भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे रामपोल, तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ काफ़ी महल भी हैं, जिनमें आप लोग जहाज महल, हिंडोला महल, ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि हिंडोला महल कहाँ है, या आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा कि होशंगाबाद माफ करिए होशंग शाही का मकबरा कहाँ है, तो याद रखिए मांडू में ही है। जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, रोमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल, लुहानी गुफाएं, ये सभी आपको मांडू में ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन्हीं पॉइंटों को आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं भरहूत, क्या भरहूत के बारे में सुनते होंगे, ये आपका पड़ता है कहाँ, एक आपका पड़ता है सतना में, सतना जिले में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आपको बता दूं, सम्राट अशोक का नाम सुने हो ना, मौर्य काल का शासक, तो उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बौद्धकालीन स्तूप के खंडर यहाँ मिले हुए हैं। और इसमें आपका क्वेश्चन से एक और पूछ लेता है, इसकी खोज कनिंघम ने की थी कब, 1854 में, कनिंघम ने कब की थी, 1854 में। माफ करिए, ये क्वेश्चन और आपका बन सकता है, ये और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो वैसे तो मुझे वहां बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अभी याद आए, कैप्टन जेम्स फोरसीथ थे, इन्होंने 1862 में इसकी स्थापना की थी, माफ करिए इसकी खोज की थी, खोज मतलब आप ढूंढा था ऐसे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लास्ट में एक रिवीजन हम लोग कर लेंगे, उसमें भी आप लोगों को जो पॉइंट छूटेंगे उन्हें भी आपको आप बता देंगे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं सांची का स्तूप, सांची का स्तूप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और ये आपका पड़ता है कहाँ, रायसेन में, कहाँ, सांची रायसेन में, और ये सांची का दूध आता है, समझ रहे हैं, उससे भी आप लोग याद रखिए। तो सांची का प्राचीन नाम आपको बता देता है, काकना इसका प्राचीन नाम था, बौद्ध श्री पर्वत भी प्राचीन नाम रहा है इसका, सांची का, और आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का सांची एक मुख्य केंद्र भी हुआ करता था, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और यहाँ वैसे तो आप देखेंगे सांची के स्तूप की एक तरह से निर्माण करवाता है आपका सम्राट अशोक, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसके चारों ओर जो आप लोग जंगला देखते हैं ना, उसे किसने बनवाया था, उसे सुंग काल में बनवाया गया था, ठीक है, सुंग राजाओं ने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और याद रखिए यहाँ आप देखेंगे सांची की स्तूप में मोगलायन और सारीपुत्र, इनकी अस्थियाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसलिए भी आपका बौद्धों का काफ़ी श्रद्धा का केंद्र भी है, ठीक है। और आप सभी लोगों को एक और बता दूँ, सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी सन 2012 में, ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा कि बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ है, कब हुई थी, तो सांची में हुई थी आपकी सन 2012 में, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। सांची में आप लोग अशोक स्तंभ भी देखते हैं, चितियागिरी विहार भी देखते हैं, पुरातत्व संग्रहालय भी, बौद्ध मठ, गुप्त मंदिर, ये सभी भी आप लोग सांची में देखते हैं। एक है आपका विदिशा, विदिशा के बारे में तो सुने हैं कि नहीं सुने, विदिशा तो ये तो आप जानते हैं कि विदिशा जिला ही है मध्य प्रदेश का एक, लेकिन इसका पुराने नाम की बात करें तो इसे पहले आप लोग भेलसा के नाम से भी जानते थे, बेसनगर के नाम से भी जानते थे, ये भी आप लोग याद रखिए, आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेगा कि विदिशा का पुराना नाम क्या है, ठीक है। और याद रखिए इसका प्राचीन नाम महामलिस्तान या फिर मेवासा भी था, तो इसके काफ़ी नाम हैं, ठीक है। और जो अशोक था ना आपका मौर्य राजा, इसने यहाँ की एक लड़की थी, व्यापारी व्यापारी की लड़की महादेवी, इसी से शादी की थी, ठीक है। और विदिशा में आप लोग हेलियोडोरस का जो गरुण स्तंभ भी देखेंगे, ठीक है, ये भी, और ये भागवत धर्म से संबंधित है, इसे आप लोग खंबा बाबा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और विदिशा में आप लोगों को लोहांगी शिला, गुम्बज, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर, जिसे आप लोग हलाली सागर भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को
देखने को मिलेंगे। फिर आप सुनते हैं ग्वालियर, सिंधिया से जुड़ा हुआ है, सिंधिया से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सिंधिया ने क्या कारनामा किया था आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन माफ़ करिए, आप लोगों में से कई उनके सपोर्टर भी होंगे, लेकिन एक बात तो मुझे लगता है कि खून में कुछ तो बात होती है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि देखिए, अंग्रेज़ों से अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी, पहले इन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया। फिर आप समझिए, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी के समय बहुत चहल पहल रही राजाओं के बारे में, मतलब राजाओं से बहुत सारे अधिकार छीने गए, तो उस समय इन्होंने एक तरह से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी काफ़ी चहल कदमी कर रही है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनके अगर साथ कोई नहीं है तो दूसरे को परेशान, तो उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। एक तरह से आप कह सकते हैं मौका का फ़ायदा अगर किसी ने उठाया है तो आपके सिंधिया घराने ने, ठीक है, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ग्वालियर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चंस बन जाएगा कि ग्वालियर का नाम किस तरह से पड़ा। ग्वालियर तो ये गालव ऋषि हुआ करते थे, इन्हीं के नाम पर आपका एक तरह से पड़ा नाम, ठीक है, ग्वालियर गालव ऋषि के नाम पर। और आप लोग देखते हैं कि यहाँ आप लोगों को ग्वालियर का किला भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप लोगों को गुजरी महल भी देखने को मिल जाएगा, राजा मानसिंह तोमर ने अपनी मेगनैनी, एक तरह से जो रानी थी, इनके प्रेम में एक यहाँ मेगनैनी भवन भी बनवाया हुआ है, गुजरी महल, समझ रहे हैं। मान मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, सूरज कुंड भी देखने को मिल जाएगा, तेली का मंदिर भी, सास बहू का मंदिर, जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की अश्वारोही मूर्ति। यानी कि एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है कि एक तो आपसे क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि सास बहू का मंदिर कहाँ बनवाया गया है, कहाँ है, ग्वालियर में। एक दूसरा आपसे क्वेश्चंस बनता है कि आपका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो याद रखिए ग्वालियर में है, फूलबाग के पास। आप लोगों में से अगर कोई वहाँ का होगा तो उसे मालूम भी होगा, ठीक है। और याद रखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपका बनारस में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक बार मैंने देखा है कि क्वेश्चंस आया हुआ है, कई बार आपके एसएससी में भी क्वेश्चंस बन चुका है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ थी, और कई लोग सोचते हैं झांसी में होगी तो लगा आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और एक और आप लोग याद रख सकते हैं, और यहाँ संग्रहालय भी है, तानसेन की समाधि भी से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तानसेन की समाधि आपकी ग्वालियर में है, और इनके गुरु थे जो गौस मोहम्मद का मकबरा, ये भी आपका ग्वालियर में ही है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। नगर पालिका संग्रहालय भी आपका है यहाँ, और सूर्य मंदिर भी आपका यहाँ ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। ये सभी ग्वालियर के बारे में पॉइंट याद रख सकते हैं। फिर भोपाल की भी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों का साथ सिंधिया ने दिया था, उसी तरह यहाँ की बेगम हुआ करती थी, उन्होंने किन का साथ दिया था, अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो भोपाल के बारे में बात करें तो राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्हीं के नाम पर भोपाल बसाया गया, ठीक है। और आप सभी लोग ये भी सुनते हैं कि पांच पहाड़ियों के पर बसा हुआ है भोपाल, आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बैठने की क्षमता वाली मस्जिद कहाँ है, तो ताजुल मस्जिद आपकी भोपाल की है, सर्वाधिक बैठने की क्षमता वाली। फिर आप देखेंगे जामा मस्जिद भी यहाँ देखने को मिलेगी, भारत भवन भी, भारत भवन आपका कहाँ है, भोपाल, बिड़ला मंदिर भी आपका भोपाल में ही है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, पुराने कई सालों से पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, ये आपका भोपाल में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। वन विहार भी आपका भोपाल में है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि कई बार आपका PCS में भी पूछ लिया है, ठीक है। एक आप सुनते हैं ओरछा, ये भी आपका इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चंस अगर पूछे ओरछा के बारे में, तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आप सभी जानते भी होंगे, पहले भोपाल जो आपका ओरछा हुआ करता था, ये टीकमगढ़ जिले में था, लेकिन आपने देखा है टीकमगढ़ से अलग करके आपका जब से निवाड़ी जिला बनाया गया, तब आपसे निवाड़ी जिले में आने लगा है क्या, ओरछा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ और भी पॉइंट हैं आपको ओरछा में याद रखने के लिए, कौन कौन से हैं, आप जानते हैं कि सरदार रुद्र प्रताप ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आप लोग सुनते हैं,
ये भी आपके कुछ समय के लिए एक तरह से ओरछा के पास के एक गांव में ठहरे हुए थे, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और चंद्रशेखर पार्क आप लोगों ने सुना होगा, इलाहाबाद में उनकी मुठभेड़ हुई थी ना, तो वहाँ उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ उनका पार्क भी है, आप में से कई लोग गए भी होंगे वहाँ, ठीक है, और काफ़ी चर्चित है अब। लेकिन योगी के आने के पहले आप देखेंगे तो अलग तरह से चर्चित था, अब काफ़ी सुविधाएं हो गई, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि शहीद स्मारक भी आपको ओरछा में देखने को मिलेगा, जहांगीर महल भी देखने को मिलेगा, हरदौल महल, हरदौल मंदिर भी देखने को मिलेगा। बड़ी एक तरह से यहाँ की आप कह सकते हैं कि लोग बड़ा मानते हैं हरदौल को, आप समझिए किसी की भी बुंदेलखंड में अगर शादी होती है तो लोग पहला कार्ड इनके पास ज़रूर भेजते हैं, समझ रहे हैं आप, इतनी मान्यता है इनकी। और उसके बाद सुंदर महल हो गया, राय परवीन महल हो गया, फूलबाग, चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सभी अभी आपका ओरछा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर कभी आप लोग जाएं तो वो आए। यहाँ उदयपुर, उदयपुर सुने हैं आप लोग, ये आपका कहाँ पड़ता है, विदिशा ज़िले में। उदयपुर कहाँ पड़ता है, विदिशा ज़िले में, आप लोग शॉर्ट तो जानते हो ना, भी से विदिशा। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि काफ़ी वराह अवतार की प्रतिमा भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ आप लोगों को बीजा मंडल हो, मंडल हो गया, शाही मस्जिद महल, पिसनहारी मंदिर, पिसनहारी मंदिर कहाँ है आपका, उदयपुर विदिशा में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। कुछ आप लोग और याद रख सकते हैं, गोविंद फोर्ट कहाँ है, रीवा में, ताज महल पैलेस भोपाल, राजगढ़ पैलेस दतिया, बिजनीर पैलेस भोपाल, माधवगढ़ फोर्ट ये सतना में है, ऐसे सतना, ठीक है। अब आपके मध्य प्रदेश के कुछ किलों को भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए हैं, क्या इनसे भी आपके क्या पूछ लेता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है, कैसे पूछता है, एक तो आपसे क्वेश्चंस पहला यही बन सकता है कि नरसिंहगढ़ के किले के बारे में कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई तरह के बन सकते हैं, नरसिंहगढ़ इसके बारे में क्या क्या पॉइंट आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, नरसिंहगढ़ का किला, ठीक है, किला, तो इसके बारे में बात करूं मैं तो ये राजगढ़ जिले में देखने को मिलेगा आपको, नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में है, और इसे आप लोग कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि कश्मीर ए मालवा किसे कहा जाता है, किस किले को कहा जाता है, तो याद रखिए नरसिंहगढ़ के किले को। और यहीं आप लोगों को एक झील भी देखने को मिलेगी, चिड़ीखो झील आपकी नरसिंहगढ़ के किले के पास में ही है, राजगढ़ में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर बात करें ग्वालियर किले के बारे में, ग्वालियर, ग्वालियर जानते हैं, ग्वालियर का किला, यहाँ जयविलास पैलेस काफ़ी चर्चा में भी रहता है, कहा जाता है यहाँ सोने की ट्रेन से खाना परोसा जाता है, तो इसे भी आप लोग देख आइए। और आप जानते हैं किलों का रतन भी कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि किलों का रतन किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को, ठीक है। और सूरज सेन ने आप समझ सकते हैं कि ऋषि गालों की स्मृति में आपने देखा होगा कि इसे बनवाया था, और पूर्व के जिब्राल्टर की संज्ञा भी दी गई है ग्वालियर के किले को, ठीक है। और ये किला आप लोगों को देखने को मिलेगा, गोपाचल के पर्वत पर स्थित है, और इसमें आप देखेंगे आलमगीर दरवाज़ा हो, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज महेंद्र मंदिर दरवाज़ा, हाथी फोर्ट दरवाज़ा, सास बहु मंदिर, चतुर आप देखेंगे इस किले में सास बहु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मान का मंदिर, तेली का मंदिर, विष्णु मंदिर, ये सभी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए सास बहु के मंदिर को आप लोग सहस्त्र बाहु भी कहते हैं, ठीक है, और ये महीपाल से जुड़ा हुआ है, कछवाह संस राजा हुआ करता था ना वंश का, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। आप समझिए कि पहले आर्किटेक्चर यानी कह सकते हैं कि आप और हमसे बेहतर इंजीनियर हुआ करते थे, आप कभी इस किले पर जाकर देख सकते हैं कितनी, मतलब आप समझ सकते हैं कितना भयानक तरीके से डिजाइन किया गया है, देखने लायक है। बात करें अगर अगला है आपका मांडू का दुर्ग, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए मांडू के दुर्ग के बारे में, कि इससे क्वेश्चंस
क्या बन सकता है? दुर्ग। ये आपका ये भी अच्छा काफी है, और आप जानते हैं धार में पड़ता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिए। एक आपका क्वेश्चन बनता है पूरन मल का किला, पूरन मल का किला, आप जानते हैं किसी का नाम भी रहता है पूरन मल, पूरन मल का किला, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रायसेन में। कहाँ? रायसेन में, ठीक है। कई बार तो आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका पूरन मल का किला कहाँ है, तो आपका, और याद रखिए राजा बसंती ने बनवाया था, ये रायसेन में पड़ता है और राजा बसंती ने बनवाया था, डबल आर, ठीक है, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पूरन मल का किला किसने बनवाया था, राजा रास बसंती ने, बसंती। फिर आप देखेंगे असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ की अगर किले के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको बुरहानपुर जिले में देखने को मिलेगा, और याद रखिए इसे आप लोग दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि मुमताज महल जो आप लोग देखते हैं, ताजमहल, मुमताज से, मुमताज जो बेगम थी, इनसे जुड़ा हुआ है आपका बुरहानपुर जो असीरगढ़ का किला है। माना जाता है कि उनकी, मतलब उनके जो बच्चा हुआ था और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी, इससे जुड़ा हुआ है आपका बुरहानपुर असीरगढ़ का किला, ये भी आप लोग याद रखिए। ये भी माना जाता है कि एक अही राजा हुआ करते थे आसा, इन्होंने ही बुरहानपुर जिले में निर्मित करवाया था इस किले को, ठीक है। यहाँ आप लोगों को आसा देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा असीरगढ़ के किले में, ठीक है। फिर आप सुनते हैं अजयगढ़ का किला, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ है। सबसे पहले अगर आपको मालूम हुआ करे तो आप लोग नीचे लिख दिया करेगा बताने से पहले, क्योंकि बताने के बाद तो मुझे लगता है फ़ायदा नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें असीरगढ़ के, अजयगढ़ के किले के बारे में, तो ये आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगा, पन्ना सफारी आप लोग सुनते हैं, और याद रखिए राजा अजयपाल के द्वारा इसे बनवाया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक अमन का महल, अमन राजा अमन का महल भी आप लोगों को यही अजयगढ़ में, यानी कि पन्ना के पास ही देखने को मिलेगा, ठीक है। पन्ना अजयगढ़ दुर्ग है, ठीक है, पन्ना में। एक आप लोग सुनते हैं चंदेरी, वैसे चंदेरी आप जानते हैं कि साड़ियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और बनारस भी आप देखते हैं साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आप लोग जानते भी होंगे। चंदेरी के दुर्ग के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अशोकनगर जिले में है, आपका जो अशोकनगर जिला है ना उसी में पड़ता है, ठीक है। और आप देखेंगे इसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था, राजा कीर्तिपाल ने, राजा कीर्तिपाल ने, ठीक है। एक आप देखेंगे बांधवगढ़ का दुर्ग, ये कहाँ है? बांधव बताइए, बांधव गढ़ का दुर्ग या किला, इसके बारे में बात अगर हम करें तो ये उमरिया जिले में देखने को मिलेगा, कहाँ? उमरिया, ठीक है, उमरिया जिले का नाम सुने, उमरिया जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वघेल शासक ब्राग्यदेव द्वारा इसे बनवाया गया था, और यहाँ आपको काफ़ी अच्छे स्थल भी देखने को मिलेंगे, घूमने लायक जगह, जिसमें आप क्षीर सागर कुंड हो गया, शेष शाही तालाब, विष्णु भगवान का मंदिर, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ओरछा दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें, ओरछा दुर्ग के, ओरछा दुर्ग के बारे में, तो इसके बारे में याद रखिए पहले तो बेतवा नदी के किनारे है, किसके? बेतवा नदी के, बेतवा नदी के किनारे है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दुर्गा जो बुंदेला राजा थे, इन्हीं ने एक तरह से इन्हीं की कहानी बताता है ओरछा का किला, ठीक है। और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नेवाड़ी में पढ़ने लगा है, और याद रखिए यहाँ आप लोग देखेंगे
राजा वीर सिंह बुंदेला के बारे में सुने हैं? ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बुंदेलाओं की छतरियाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी ओरछा में, ठीक है। एक आपका है मंडला दुर्ग, मंडला दुर्ग, ये मंडला के बारे में बात करें हम लोग तो मंडला जिले जिला है आपका एमपी में, ठीक है। मंडला दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो इसके आप लोगों को मालूम होना चाहिए गौंड वंश की राजधानी भी रहा है मंडला, ठीक है। और इसका निर्माण आप देखेंगे नरेश साय ने करवाया था, नरेश साय ने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आप सुनते हैं दतिया का किला, ये भी काफ़ी फेमस है दतिया का। कभी कोई कहे कि भारत में क्या हुआ, कभी इन मंदिर इन महलों में ले जाया करिएगा लोगों को, बताया करिएगा, देखिए हमारे पूर्वज किस तरह के रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग मकान बना रहे हैं बड़े बड़े, हमारे पूर्वजों ने पहले ही बना दिए। तो दतिया के किले की बात करें तो आप जानते हैं बुंदेला नरेश वीर सिंह देव से जुड़ा हुआ है और इन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, यानी कि इनकी देखरेख में इन्हीं का नाम रख दिया गया है। आप जानते हैं मेहनत किसी और की होती है, उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और एक बात और बताऊँ आप लोगों को, इसके नरेश भवानी सिंह ने इसके द्वार पट पर एक वाक्य लिखवाया था, जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि किस मंदिर के दरवाजे पर यानी कि द्वार पट पर लिखा हुआ है कि जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन, तो याद रखिए दतिया के किले पर, ठीक है। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा किले में सतखंडा महल हो गया, वीर सिंह महल हो गया, गोपाल मंडप हो गया, गोपाल महल जिसे आप मुंडा महल भी कह देते हैं, मुंडा महल भी है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और किले की दीवारों पर आप देखेंगे गेंडा हाथी और हिप्पो चिड़िया का स्तर भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप लोग सुनते हैं कान्हरगढ़ का किला, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है दतिया के पास सही है, ठीक है। और याद रखिए सिंधु नदी के तट पर है, दतिया में है सिंधु नदी के तट पर, आप लोग एक भी याद रखिए। एक आपका मकड़ाई का किला, मकड़ाई का किला ये कहाँ पड़ता है, मकड़ाई का किला, ये आप लोगों को बताऊं तो मकड़ाई का किला पड़ता है आपका हरदा जिले में, ठीक है, हरदा जिले में। और याद रखिए आप देखेंगे राजा मकरंद के बारे में, साहे के बारे में सुने हैं, उन्हीं ने बनवाया था इसे और पिंडारियों के हमलों से बचने के लिए एक तरह से, ठीक है। और किले के पास में ही आप लोग देखेंगे जादूगर मालन महल, सीमानी नदी के तट पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं सबलगढ़ का किला, क्या कहाँ है सबलगढ़ का किला, सबलगढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा मुरैना जिले में है, कहाँ मुरैना जिले में, ठीक है। और याद रखिए इसकी बात करें तो यदुवंशी राजा हुआ करते थे गोपी सिंह, इन्होंने बनवाया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आप सुनते हैं मंदसौर का किला, मंदसौर मंदोदरी से जुड़ा हुआ है, जानते हो मंदसौर का किला, ये कहाँ पड़ता है, तो आप सभी जानते हैं कि मंदसौर में ही पड़ेगा। और याद रखिए सिवनी नदी के किनारे पर है मंदसौर का किला, आपका सिवनी नदी के किनारे पर है और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, किसने बनवाया था मंदसौर के किले को, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। ये यहाँ आप देखेंगे 500 साल से प्लस पुराना मंदिर भी देखने को मिलेगा, एक तापेश्वर मंदिर महामंदेव मंदिर भी यही है आपका, और हिंदुओं से काफ़ी एक तरह से जुड़ा भी रहा है। और इस किले का संबंध आप देखेंगे कछवाहों तोमरों और जयपुर के कई घरानों से भी देखने को मिलेगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। एक आपका हुआ है कुशलगढ़ का किला, कुशल सब कुशल मंगल है,
कुशलगढ़ का किला ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर के जिले में, महू तहसील। आप लोग सुने हो भीमराव अम्बेडकर, याद आया कुछ? तो ये महू जिले, महू तहसील में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये आपका काफ़ी एक तरह से आप कहिए इंदौर में देखने को मिलेगा। और ये राज्य शासन द्वारा पुरातत्व महत्व, एक तरह से पुरातत्व महत्व को समझते हुए संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है कुशलगढ़ किले को, ठीक है। एक आप धार का किला भी सुनते हैं, मांडू का किला भी देख लिया, धार का किला भी सुन लीजिए। तो ये आप जानते हैं कि इसके निर्माता रहे हैं राजा भोज साहब, ठीक है। और जो इसका वर्तमान स्वरूप है, पहले निर्माता थे इसके, फिर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आपका धार का किला है जो इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ है, हिंदू और अफगानी, ठीक है, दोनों का एक तरह से मिक्सचर है। मिक्सचर आप लोग नमकीन खाते हैं ना, एक तरह से वही हाल है इसका। और यहाँ किले में आपको कई इमारतें भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें माँ कालिका मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल शाहिद चंगेज का मकबरा, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों गड़बड़ हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, और यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कितनी एकता रही होगी पहले, आज नेताओं ने आप समझ सकते हैं कि फूट डाल दी गई है कि आप इस कास्ट, ये कास्ट, इस कास्ट, ये धर्म, ठीक है। वरना आप लोग तो बड़े सीधे साधे हुआ करते थे। आप देखिए, एक है आपका गिन्नौर का गढ़ का किला, गिन्नौर गढ़ का किला, इससे क्या, ये कहाँ पड़ता है? गिन्नौर, इसे तोतों का एक तरह से किला भी कहा जाता है, समझ रहे हैं, गिन्नौरगढ़ का किला, ठीक है, याद रखो। तो इसका निर्माण की अगर बात करें तो उदय वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और इसे आप लोग तोतों का, यहाँ तोते काफ़ी पाए जाते हैं, इसे सुख क्षेत्र या तोतों का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपका है गोहद का किला, गोहद, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है भिंड जिले में, कहाँ? बीसी भिंड, ठीक है। और इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ आपके और किले हैं जिनमें आप लोग देखते होंगे कि नरवर का किला कहाँ है आपका? शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा, राजा नल द्वारा बनवाया गया था। आप देखते हैं कि राजवाड़ा के बारे में आप लोग सुने होंगे, इंदौर का राजवाड़ा, होलकरों की राजधानी भी रहा है, ठीक है। अटेर और गुहर के किले ये भिंड जिले में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिए। एक होशंगाबाद का किला भी आप लोग सुनते हैं, नर्मदा तट के पास, नर्मदा नदी के तट पर ही है ये। कुतवार का किला भी सुनते हैं, ये मुरैना में देखने को मिलेगा आपको, आसन नदी के तट पर, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख महल भी हैं, महल जिनमें आप सुनते होंगे ग्वालियर के महल, ठीक है, तो इन्हें भी बता देता हूँ। ग्वालियर, शाही महल रहे, ग्वालियर का महल, ग्वालियर महल या ग्वालियर का महल, इसके बारे में अगर बात करूँ तो देखिए आप लोग जय विलास पैलेस के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। कहा जाता है कि सोनों से रंगा दरबार यहाँ हॉल है, और याद रखिए आप जानते हैं कि जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थान भी रहा है, एक संग्रहालय भी है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है, ये भी आप लोगों को बता दिया हूँ। एक मांडू महल भी आप लोग सुनते हैं, महलों की नगरी जिसे आप लोग जानते हैं, पीछे भी बात कर चुका हूँ, मांडू महल। इसके बाद बारे में अगर बात करें हम लोग तो इसके बारे में एक तो सबसे पहले यही रखना होगा कि रानी रूपमती का महल यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनके जो प्रेमी रहे हैं बाज बहादुर का महल, हिडोला महल, खरबूजा महल, असरफी महल, दाई का महल, ये सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नीलकंठ महल मंदिर, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मांडू में ही आप लोग देखेंगे रीवा कुंड किंतिम झील भी है, जिसे बाज बहादुर ने अपनी रूपमती मंडप में, अपनी प्रेमिका के मंडप में एक तरह से पानी की आपूर्ति बनवाने के लिए एक तरह से किया गया था, ठीक, ये भी आप याद रखिए। ये आप लोगों को वैसे बता चुका हूँ सभी, ठीक है। एक आप लोग सुनते हैं कि मंडला के महल के बारे में,
मंडला जिले में दो महल देखने को मिलेंगे, एक राजा शाह द्वारा निर्मित मोती महल और दूसरा बघेलियन महल। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। शौकत महल, ये आप लोगों को नहीं बताया होगा शायद, शौकत महल के बारे में बात करूँ तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ? भोपाल में, आपकी एमपी की राजधानी है ना भोपाल। और याद रखिए, इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कौन सा महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित है, तो आप लोगों को बता देना है शौकत महल। ठीक है, खरबूजा महल के बारे में बता ही चुका हूँ कि धार में पड़ता है। कमलापति पैलेस, कमलापति किसका पति? कमला का पति, ये भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और रानी कमलावती ने बनवाया था ऐसे, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आप सुनते हैं कौशक महल। कौशक, इस तरह के क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कौशक महल कहाँ है। ये आप लोगों को चंदेरी शहर में देखने को मिलेगा के पास ही। ठीक है, और इसे महमूद खिलजी ने बनवाया था, ये भी आप लोग याद रखिए। आप लोग सुनते हैं कि मदन महल, आप लोग सुनते हैं ये जबलपुर के पास देखने को मिलेगा। जहांगीर महल के बारे में बता चुका हूँ, ये आपको ओरछा में देखने को मिलेगा। कुछ आपके तीर्थ भी हैं जिनसे भी आपके क्वेश्चन आते रहे हैं। एक आप सुनते हैं जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, काफ़ी चर्चा में रहता है वो, पावागिरी। ठीक है, और ये याद रखिए खरगोन जिले में है, कस्में खरगोन जिले में, और ये दिगंबर जैन से जुड़ा हुआ है। यहाँ 99 मंदिर आप देखने को मिलेंगे जैन धर्म से। पावापुरी आपका, पावागिरी ये आपका कहाँ है? खरगोन में, और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है दिगंबर जैन से। और 99 यहाँ जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। एक आप सुनते हैं पुष्पगिरी, इसके बारे में अगर बात करूँ मैं तो ये आपको देवास के पास देखने को मिलेगा। कहाँ? देवास में, जिले में। ठीक है, और ये भी आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। एक आप सुनते हैं गोमटगिरी, कौन सा? ये किस जिले में है बताइए? गोमटगिरी ये आपको इंदौर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ? इंदौर में। ठीक है, ये भी आपका, आप देखेंगे जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। और यहाँ आप देखेंगे महावीर स्वामी हो गया या फिर आदिनाथ, पार्श्वनाथ, इनके भव्य मंदिर भी यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक आप सुनते हैं मंगल, आप सोचिए कि हमारे यहाँ बड़ा, मतलब एक तरह से अच्छी बात है, सभी मंदिर, सभी दिनों का आपका महत्व है, आप समझ रहे हैं। इस मंगलवार को भगवान हनुमान जी का, फिर आप कहेंगे साईं भगवान का, बृहस्पति को, सब बटे, भगवान के भी दिन बटे हुए हैं। चलिए, मंगलगिरी आपको सागर जिले में भी देखने को मिलेगा, सागर में। ठीक है, और जो आपका जो नया निवाड़ी जिला बना था वो भी आपका सागर में ही पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये भी आपका जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक आप सुनते हैं मुक्तागिरी, ये कहाँ है? मुक्तागिरी के बारे में, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका मुक्तागिरी देखने को मिलेगा बैतूल जिले में। कहाँ? बैतूल जिले में। और याद रखिए यहाँ भी आपका देखेंगे जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। एक सुनते हैं आप लोग सोनागिरी के बारे में सुने होंगे, ये कहाँ पड़ता है आपका? सोनागिर और सोनागिरी, गिरी भी कह देते हैं, गिर भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपका दतिया जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ? दतिया जिले में। और ये भी काफ़ी प्रसिद्ध जैन मंदिर भी यहाँ है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं पिसन हारी की मड़िया मंदिर, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पड़ती है, किस जिले में? ये आपकी जबलपुर में पड़ती है। कहाँ? जबलपुर में। ठीक है, और याद रखिए आपकी दिगंबर जैन से जुड़ी हुई है, जो दिगंबर जैन पंथ है ना इनका, इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। हिंदू धर्म के भी बता देता हूँ क्योंकि हिंदू धर्म से भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक आपका पीताम्बरा पीठ के बारे में सुने हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं पीताम्बरा पीठ के बारे में, ये कहाँ पड़ता है?
किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका जिला दतिया में पड़ता है। कहाँ? दतिया में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे माँ बगला मुखी पीतराम्बरा पीठ भी है, काफ़ी हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक और तांत्रिक स्थल भी है। तांत्रिक समझ रहे हैं। एक आपका महेश्वर के बारे में भी सुने होंगे, महेश्वर भी आपका एक तरह से हिंदुओं से काफ़ी जुड़ा हुआ है, हिंदुओं से तो पूरी भारत क्या दुनिया जुड़ी हुई है। खरगोन जिले में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नर्मदा तट पर देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि महेश्वर का पुराना नाम महेशमती था, इसे आप लोग गुप्त काशी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुप्त काशी किसे कहा जाता है, तो महेश्वर को ही है। और आप जानते हैं इसकी स्थापना रानी अहिल्याबाई ने की थी। और यहाँ आप देखेंगे भवानी माता का मंदिर, ये भी हिंदू ही मंदिर है। अहिलेश्वर शिवालय, राजवाड़ा, बानेश्वर शिवालय, बीठा जी की छतरी, राजेश्वर विश्वालय, कालेश्वर, जालेश्वर, बाणेश्वर, पंडरीनाथ, विश्वनाथ, मंगेतेश्वर शिवालय, भरथरी की गुफाएं, सहस्त्र जलप्रपात, अहिल्या संग्रहालय, होलकर वंश की छतियाँ भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेंगी। कहाँ? महेश्वर में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं कामतगिरी, सुने परिक्रमा लगाते हैं आप लोग कामतगिरी जाकर। कामतगिरी इसके बारे में क्या पॉइंट आपको याद रखना होगा? ये सबसे पहले कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? ये आपका सतना में पड़ता है। कहाँ? सतना में। चित्रकूट आप लोग सुने हो, वही है। और कामनानाथ का मंदिर, कामतानाथ का मंदिर भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। और कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं, बड़े मतलब हिंदुओं में काफ़ी मान्यता है, ठीक है। एक आप सुनते हैं दादाजी दरबार, दादा जी दरबार, दादाजी दरबार के बारे में। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा खंडवा जिले में। किसमें? खंडवा जिले में, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि दादाजी दरबार महान संत हुआ करते थे, और खंडवा में ही दादाजी की समाधि स्थल भी देखने को मिलेगी इसी जगह पर, ठीक है। एक आप सुनते हैं आपके बावन गजा, ये हिंदुओं से भी जुड़ा हुआ है और आपका हिंदू और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। बावन, तो याद रखिए दोनों से जुड़ा हुआ है। कहाँ पड़ता है ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये बड़वानी जिले में पड़ता है। कहाँ? बड़वानी जिले में, ठीक है। और भगवान आदिनाथ की यहाँ मूर्ति भी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ महामस्ताभिषेक भी होता है, ठीक है। और यहीं आपको ऋषभनाथ की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप देखिए नैमावर सुनते हैं, नैमावर वरवधु, ठीक है। ये किस जिले में पड़ता है? ये आपका नर्मदा तट पर है, देवास जिले में, ठीक है, देवास जिले में। और आप जानते हैं कि ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ प्रतिवर्ष आपको मेला भी लगता है, तो कभी आप लोगों को टाइम मिले तो जाया करिएगा। ये आपका है रुनीजा, ये आपका कहाँ है? बड़नगर में देखने को मिलेगा। और यहाँ भी तेजाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, और ये भी प्रतिवर्ष यहाँ भी मेला लगता है। एक आप सुनते हैं ओंकारेश्वर, इसके बारे में अगर हम बात करूं, तो ओम आकती आप लोग सुनते हैं, तो ये 12 स्थानों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी देखने को मिलेगा। और नर्मदा तवा की संगम पर है ओकार मांधाता मंदिर भी, ठीक है। और ममलेश्वर मंदिर भी, इससे मंदिर भी आप लोगों को ओंकारेश्वर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ आपके धार्मिक पर्यटन स्थल और भी हैं, जिनमें भोजपुर भोपाल के निकट आप लोगों को देखने को मिलेगा, भोजपुर। और आप जानते हैं कि यहाँ एक और चर्चा है, क्या चर्चा है? शिवलिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे विशाल शिवलिंग, ठीक है। और राजा भोज से जुड़ा हुआ है। एक आप सुनते हैं नोहटा, ये आपको बिरसा नदी के संगम पर देखने को मिलेगा। कुछ समय के लिए आप देखेंगे चंदेलों की राजधानी भी रहा है, और शिव मंदिर भी और जैन मंदिर के अवशेष भी यहाँ काफ़ी मिले हुए हैं। मंदसौर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, मंदसौर
रावण की बीवी किससे जुड़ा हुआ है, पत्नी से। इसका पुराना नाम दसपुर है। यहाँ भी आप लोगों को पशुपतिनाथ का मंदिर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चित्रकूट, चित्रकूट सुने हो? अगर कोई गया हो तो बताना, सुने तो हर कोई है। चित्रकूट भी कुट भी कहते हैं और चित्रकूट भी कहते हैं इसे, ठीक है। कहाँ पड़ता है? सतना में। और यहाँ आप देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था, काफ़ी इसके लिए चर्चा में रहते हैं। और अब्दुल रहीम खान खाना भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक आप सुनते हैं मितावली, मितावली ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका मुरैना ज़िले में पड़ता है। और याद रखिए काफ़ी आप समझिए कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ प्राचीन मंदिर भी है यहाँ। और तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते हैं इसे, तांत्रिक क्रिया आप समझ रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि नई दिल्ली में जो संसद भवन है ना, इस मंदिर के स्थापत्य से प्रेरित है, ठीक है। एक आप सुनते हैं ग्यारसपुर, ग्यारसपुर ये कहाँ है? विदिशा में है। ग्यारसपुर आपका कहाँ है? विदिशा में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। यहाँ आप लोग वैष्णव मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कुछ महेंद्रपाल के अभिलेख भी, चामुंडा राज शिवगढ़ की जानकारी भी यहाँ से काफ़ी मिलती है। एक आप सुनते हैं ये कहाँ पड़ता है? ये आपका मंदसौर में ही पड़ता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हिंगलाजगढ़ को राज्य संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। यहाँ से आप देखें कि कचहरी महल, सूरज पोल, कटारा पोल, पाटन पोल, सूरज कुंड, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे गुप्त काल की कुछ मूर्तियाँ भी देखने को प्राप्त हुई हैं यहाँ, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चंद्रप्रभु, इनकी मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। बगलामुखी, अर्धनारीश्वर से लवकुलिस, सदाशिव नरराज, ये भी यहीं से संबंधित है। आपके सिख धर्म से जुड़े हुए, सिख धर्म भी आप जानते हैं हमारा देश धर्म से विविधताओं से भरा हुआ है। आप देखेंगे विभिन्न धर्म मिल जाएंगे, जातियाँ मिल जाएंगी, फिर भी हम लोग एक होके रहते हैं। ये सभी कमाल है आप समझिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने एक संविधान बनाया हुआ है। हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा ना हो, लेकिन आपको अपने संविधान पर जरूर भरोसा होगा। सिख धर्म से बात करें तो आनंदपुर साहिब, इनके बारे में सुने होंगे। आनंदपुर साहिब तो ये आपका अशोकनगर ज़िले में पड़ता है। ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका कहाँ है? अशोकनगर ज़िले में। और ये आपका सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, ईसागढ़, ठीक है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये आप जानते हैं ग्वालियर में है, जयविलास पैलेस के पास, ठीक है। और आप जानते हैं गुरु हरगोविंद जी को जहांगीर ने यहीं कैद करके रखवाया हुआ था, ठीक है। कहाँ? बंदी छोड़ गुरुद्वारा। एक आप सुनते हैं इमली बाजार गुरुद्वारा, बाजार गुरुद्वारा, ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से। और ये आपका इंदौर में पड़ता है, गुरु नानक देव यहाँ कुछ समय के लिए आए हुए थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। भाई बाला संधु गुरुद्वारा, ये आपका कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर। और दसवें जो गुरु गोविंद साहेब थे ना, गुरु गोविंद सिंह, वो यहाँ आए हुए थे। एक आप माफ करिए, यहाँ आए हुए थे गुरु भाई बाला संधु गुरुद्वारा में, ये शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ? शिवपुरी में, ना कि गलत बता चुका हूँ, कभी कभी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, वैसे होती नहीं है फिर भी हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ, तो आप लोग सुधार दिया करिएगा, ठीक है। तो ये आपका शिवपुरी में देखने को मिलेगा। गुरु नानक का नाम सुने हो? वो आए हुए थे यहाँ, ठीक है। और आपका बाड़ी संगत गुरुद्वारा, ये बुरहानपुर में पड़ता है। यहाँ आपके दसवें गुरु गोविंद सिंह आए हुए थे। ओंकारेश्वर साहिब भी आपका ओंकारेश्वर में खंडवा में पड़ता है। ये आपका सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं ईसाई धर्म भी हमारे देश में है, तो ये आपका एक है कैथीड्रल,
कैथेड्रल चर्च, ये आपका कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है। एक आप पढ़ते हैं रेड चर्च, ये कहाँ है आपका? इंदौर में। एक आपका ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है व्हाइट कुत्ते भी आजकल पढ़ रहे हैं, ये आपका इंदौर में ही पड़ता है। एक आपका पंचमढ़ी चर्च, ये पंचमढ़ी में ही देखने को मिलता है पंचमढ़ी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कुछ आपके अद्भुत मंदिर भी हैं मध्य प्रदेश में, इनसे भी आपके कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है? वैसे पीछे भी बता चुका हूँ, मंगलनाथ का मंदिर ये आपका उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में। और याद रखिए, इस मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, कई बार क्वेश्चंस बन चुका है, हिंदुओं में काफ़ी जुड़ा हुआ है हिंदुओं से, ठीक है। तो पृथ्वी का अगर केंद्र बिंदु अगर पूछा जाए तो मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। गोपाल मंदिर भी आपसे पूछ लेता है, गोपाल मंदिर कहाँ है? गोपाल मंदिर ये भी आपका उज्जैन में ही देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, विश्व के एकमात्र श्री कृष्ण मंदिर है जहां आप देखेंगे हरि विष्णु और हरि शिव का पितिवस एक बार मिलन भी होता है एक दूसरे से, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आप लोग सुने हैं, महाकाल मंदिर, ये आपका कहाँ है? ये आपका उज्जैन में है। और आप जानते हैं कि यहाँ आपका कुंभ भी लगता है, तो ये भी आपका उज्जैन में ही देखने को मिलेगा। और उज्जैन आप जानते हैं कि छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और शारदा मंदिर की अगर बात करें तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका मेहर सतना में पड़ता है, मेहर सतना में, ठीक है। और ये भी आप लोग, यहाँ ये ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन उदल आला यहाँ फूल चढ़ाने के लिए आते हैं शारदा मंदिर के बारे में। और आप जानते हैं कि अगर आला उदल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है तो काफ़ी शारदा माता से जुड़े हुए थे लोग, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। कहाँ पड़ता है? मेहर सतना में। पशुपतिनाथ, पीछे भी बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ, पशुपतिनाथ ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका मंदसौर में देखने को मिलेगा, मंदोदरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और ये सिबना नदी पर बसा हुआ है, ये भी कई बार पूछ लेता है, सिबना नदी के तट पर बसा हुआ है, मंदसौर में है पशुपति नाथ मंदिर, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना काफ़ी। और आप देखेंगे इसके बाद भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा भी देखने को मिलेगा, चतुर्भुज शिव भी देखने को मिलेगी, बाल्यकाल युवावस्था पुनरावस्था वृद्धा अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक आप सुनते हैं बाबा बैजनाथ मंदिर, कहाँ है बाबा बैजनाथ? कल के दिन आप भी बैज कोई नाथ बाबा बन जाए, आप भी काम करें, बैजनाथ मंदिर। देखिए, भगवान कहते हैं भगवान ने हमें बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ही भगवान को बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी गांव को गोद ले लेते हैं, उसकी हर कुछ देखभाल करते हैं, तो वो लोग आपको भी मंदिर बनवा देंगे, आप समझिए आने वाली पीढ़ियाँ उनकी आपको भगवान मानने लगी, तो यही होता है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये रामायण मनगढ़ंत है कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कितनी सीख मिलती है कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, सब कुछ सीखे, एक वफादार, मतलब सब कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। हर जगह आपको सीख ही देखने को मिलेगी। आप समझिए कि भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर दशरथ के पुत्र बनकर रहते तो वो केवल पुत्र ही बन के रह जाते, उन्हें पुरुषों में उत्तम, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनकी जो तपस्या रही है, उनके जो कर्म रहे हैं, उनने उन्हें बनाया राम, ठीक है, उन्हें तब पूजने लायक बनाया। वरना आप समझ सकते हैं कि दशरथ के चार पुत्र थे, सभी क्यों नहीं बन गए, तो आप समझ सकते हैं आप अपने कर्मों से बनते हैं। उस समय भी आप लोग जानते हैं कि एक राजा चार पांच बीवियां रख लेता था आराम से, लेकिन उन्होंने एक रखी, फिर भी आप समझिए कि श्रीलंका से रावण आता है, वो हर ले जाता है। उस समय टेलीग्राफ नहीं था कि मालूम चल जाएगी यहाँ है, वो ढूंढते हुए जाते हैं हजारों किलोमीटर। दूसरा अगर कोई उनकी जगह होता है तो आप समझ सकते हैं कि कहता कि चलिए छोड़िए, यहीं एक शादी कर लेते हैं। इसने उनकी इस तपस्या ने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उन्हें पुरुषोत्तम यानी कि सब में उत्तम बनाया। दूसरा आप देखिए कि एक सीता माता जाती हैं,
पूरी सोने की लंका है, उनके पास उनके सामने इतनी मोह माया रख दी जाती है, उन्हें इतना कहा जाता है कि क्या कमी है, फिर भी उनकी एक तरह से वो उनका मन नहीं डोला। ये होता है, ये स्त्रियों के लिए है। आज के समय में आप देख लीजिए ना, अब तो पुरुष अपने पुरुषपन पर डटे रहेंगे, ना ही महिलाएं, दोनों मतलब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही है। खैर छोड़िए, तो अब क्या कह सकते हैं, ये समय ही बदल चुका है। ठीक है, तो ये आपका बैजनाथ मंदिर है, जो ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका आगर जिले में पड़ता है, आगर मालवा सुने हैं उसी जिले में, ये भी आप लोग याद रखिए। सूर्य मंदिर के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, सूर्य मंदिर, तो ये आप देखिए मध्य प्रदेश में दो सूर्य मंदिर देखने को मिलेंगे। एक तो सूर्य मंदिर आपका ग्वालियर में है लश्कर में, दूसरा सूर्य मंदिर रहेली सागर में देखने को मिलेगा सोनार नदी के तट पर। दोनों को आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं गौरी सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर एक आप समझते हैं गुजरात वाला है, लेकिन ये है गौरी सोमनाथ मंदिर। ठीक है, क्या इसके बारे में याद रख सकते हैं, इसे आप लोग मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में देखने को मिलेंगे, और पांडवों ने यहाँ वनवास का काम कुछ समय भी बिताया था, और मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, पीछे भी बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, इसके बारे में बात करें तो ओरछा में देखने को मिलेगा, इसे वीर सिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। ये मंदिर ओरछा के गांव के मतलब पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ काफ़ी आप लोगों को भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगा। एक आप सुनते हैं गोलकी मठ, गोलकी मठ, और आपको बता दूं ये जबलपुर में पड़ता है, और यहीं आपका 64 योगिनी मंदिर भी है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ है आपका, जबलपुर में, और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ काफ़ी आप समझिए कि कलचुरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण भी करवाया था। एक आपका कांच का मंदिर से क्वेश्चंस भी कई बार आ चुका है, कांच का मंदिर, कांच कांच से ही बना हुआ है मंदिर, समझ रहे हैं, ये इंदौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा मंदिर है, और ये आप देखेंगे मंदिर के अंदर दीवारें छत खम्भे फर्श दरवाजे सब कुछ कांच से बने हुए हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ऐसा प्रसिद्ध कपास व्यापारी हुकुम चंद हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था, इसे भी आप लोग याद रखिए। एक आपका कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ है, बाबा महादेव, महादेव के बारे में बात करें तो इंदौर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पांडव के समय का रहा है। ठीक है, माफ करिए, इंदौर बैतूल जो हाईवे है ना, तो उसमें भी देखने को मिलेगा, देवास जिले में, देवास में, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो धरती में हर साल छोटा थोड़ा थोड़ा एक तरह से जाता जा रहा है, और जब ये पूरा धस जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा, ये भी आप लोग कहानियाँ सुनते रहते हैं। वन खंडेश्वर मंदिर के बारे में आप लोग सुनते होंगे, वन खंडेश्वर, खंडेश्वर मंदिर के बारे में, ये आपका कहाँ पड़ता है, आपको बताऊं तो ये पड़ता है आपका भिंड जिले में, कहाँ, भिंड जिले में, ये भी आप लोग याद रखिए, और पृथ्वीराज चौहान ने एक तरह से इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
एक आपका ओंकारेश्वर के बारे में भी सुनते हैं, ममलेश्वर मंदिर। क्या? ममलेश्वर मंदिर, ये ओंकारेश्वर के पास ही है ममलेश्वर, ठीक है, भगवान शिव के द्वारा जुड़ा हुआ है एक तरह से। ये ओम आकार स्थित नर्मदा द्वीप पर स्थित है। यहीं आपको काजल रानी की गुफा भी देखने को मिलेगी, शंकराचार्य की गुफा भी देखने को मिलेगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्या रखना चाहिए, कुछ आपके प्रसिद्ध कुंड भी हैं, इन्हें भी याद रखिए, इनसे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। नर्मदा कुंड, क्या है नर्मदा कुंड, इसके बारे में बात करें नर्मदा कुंड के बारे में, तो आप जानते हैं कि अमरकंटक में देखने को मिलेगा। यहीं से आपका जो नर्मदा नदी है ना, इसका संग एक तरह से उद्गम होता है। और आप जानते हैं कि ये आपकी खंभात की खाड़ी, यानी कि आप कहिए कि गुजरात के पास देखते हैं ना, अरब सागर में गिरती है खंभात नर्मदा, ठीक है। यहीं आपको सोन कुंड भी देखने को मिलेगा, सोन कुंड। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगी सोन नदी का उद्गम होता है, ये भी आपका अमरकंटक में ही देखने को मिलेगा। एक आपका रेवा कुंड है, रेवा कुंड, इसके बारे में मैं बात करूं, आप ही बात कर लीजिए, मैं क्यों कर, तो ये मांडू में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो बाज बहादुर हुआ करते थे, इन्होंने अपनी रूपमती, जो अपनी प्रिय प्रेमिका, प्रिय दर्श, जो भी कहना हो आपको शब्द, प्रेमिका, इस समय आप लोग कौन से शब्द यूज करते हैं ये अलग बात है, ठीक है, सब कुछ बदल रहा है। तो इन्हीं की एक तरह से महल की पानी की आपूर्ति के लिए, एक तरह से व्यवस्था के लिए इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। एक आप सुनते हैं जोहर कुंड, इसकी बड़ी भयानक कहानी है। आप लोग कभी इतिहास पर मूवियाँ बने करें तो देख लिया करिएगा, इससे भी आपका इतिहास काफ़ी एक तरह से पूरा होता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ अगर इतिहास पर मूवी बने तो कम ही लोग पसंद करते हैं, वहीं आप समझिए कि उल्टी सीधी मूवियाँ बने तो बड़ा पसंद की जाती हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग, इसीलिए बनाते हैं, जो हम देखना चाह रहे हैं वही दिखा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये चंदेरी में देखने को मिलेगा, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कहा जाता है कि 800 के करीब राजपूत जो वीरांगना हुआ करती थी, उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि आग में कूद कर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि राज जो मेदिनी राय यहाँ का राजा हुआ करता था, चंदेरी का युद्ध सुने हो आप लोग, 1528 में हुआ था, जो उसी में हार के कारण इसने इनकी जो भी रानियाँ थी यहाँ की, जो भी लोग थे मतलब आप समझ सकते हैं कि वीरांगना जो भी राजपूत रही होंगी, उन्होंने जोहर कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी थी। क्या क्योंकि राजा हारने के बाद आप देखते होंगे कि गुलाम बनना पड़ता था जो राजा जीतता था उसका, ठीक है। बाबर का नाम सुना है, उसी से हुआ था ये, बाबर इसमें विजयी हुआ था। फिर आप सुनते हैं डोयला बावड़ी, ये तो आप लोगों ने बावड़ी तो अपने क्षेत्र में भी देखी होंगी, काफी पुरानी, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग याद रखिए, ये आपकी गुना जिले में देखने को मिलेगी, मल्हारगढ़ किले की बावड़ी है, काफ़ी चर्चित हुई है। एक आप सुनते हैं माचलपुर की बावड़ी, माचलपुर की बावड़ी, तो ये आपको राजगढ़ जिले में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक बत्तीसी बावड़ी, एक किस जिले में है आपकी, ये आपकी याद रखिए चंदेरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि बत्तीसी बावड़ी का निर्माण शेर खान ने करवाया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। आप जानते हैं कि पवित्र स्थल भी काफ़ी घोषित किए गए मध्य प्रदेश में, 12 के करीब हैं, जिनमें अमरकंटक हो गया, चित्रकूट हो गया, पन्ना, ओरछा, मुलताई, मंडला, मेहर, महेश्वर, उज्जैन, दतिया, सलकनपुर, ओंकारेश्वर, ठीक है। आपके क्वेश्चंस इस तरह के ज़रूर बनते हैं, आपकी समाधियों से क्वेश्चंस ज़रूर आए हुए हैं, क्या हुए हैं, समाधियों से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए गए हैं।
तो इसमें आप देखिए कि एक तो आपसे क्वेश्चंस पहले भी बता चुका हूँ, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी झांसी की, जो रानी झांसी भी की समाधि कह देते हैं, लक्ष्मीबाई की समाधि कह देते हैं, लक्ष्मीबाई, ठीक है। इनकी लक्ष्मीबाई की समाधि की अगर बात करें आपको, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ है, ग्वालियर में फूलबाग के पास, ठीक है, याद रखिए। दूसरा आप देखते हैं तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा, ये भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा, कहाँ, ग्वालियर में। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये काफ़ी मुग़ल, तानसेन का मकबरा, संगीत जो सम्राट तानसेन थे उन्हीं के, उन्हीं का है ये, ठीक है। और मुग़ल कालीन कला का सुंदर नमूना भी है। और यही आप लोगों को एक तरह से एक और आपसे क्वेश्चंस बन जाता है, रानी रूपमती की समाधि, इनसे क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूँ आते रहते हैं, रानी रूपमती, रूपमती इनका क्या रूप रहा होगा, तो ये आप लोगों को सारंगपुर जिला साजापुर में देखने को मिलेगी, सारंगपुर जिला साजापुर, ठीक है। एक आप सुनते हैं बेजू वावरा की समाधि, तो इनके बारे में अगर बात करूं तो इनकी समाधि आप लोगों को देखने को मिलेगी चंदेरी अशोकनगर में, अशोकनगर, ठीक है, चंदेरी। मोहम्मद अगर गौस का मकबरा की बात करें हम लोग, मोहम्मद गौस, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, देखिए बड़ा प्रॉब्लम होती है, बता चुका हूँ। तो इनके मकबरा की अगर बात करें तो ग्वालियर दुर्ग के बाहर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और तानसेन के मकबरे के निकट ही इनका है, या आप कह सकते हैं कि मोहम्मद गौस का मकबरा और दोनों आसपास ही हैं तानसेन का, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि महाराजा सांखे वाजे, इनकी छत्रियां कहाँ हैं, समाधि कहाँ है, महारानी रानी सांखे राजे की समाधि, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा शिवपुरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो माधवराव सिंधिया थे ना, इन्होंने अपनी माता जो रानी संख्या राजे सिंधिया थी, इन्हीं की याद में बनवाया है, ठीक है। आपसे पूछे रानी दुर्गावती की समाधि, ये भी काफ़ी चर्चित, मतलब आप समझ सकते हैं रही है दुर्गावती की समाधि, तो ये जबलपुर में, जबलपुर के पास ही आप देखेंगे बरेला, कौन सी जगह है, बरेला है, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और आप जानते हैं कि गौंड वंश की अंतिम शासिका थी और मुस्लिम सेना से लड़ाई करती हुई शहीद हो गई थी, एक तरह से आप कह सकते हैं अपने हाथों से अपनी हत्या कर ली थी। और एक आपसे पूछता है हौसंग शाह का मकबरा, हौसंग शाह का मकबरा, इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, हौसंग शाह का मकबरा ये मांडू में देखने को मिलेगा, धारजिले मांडू में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और ये संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत है भारत के, संगमरमर भारत में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपसे क्वेश्चंस बन जाता है, क्या है, मत्स्येंद की समाधि, मत्स्येंद पीर की समाधि, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो फकीर संत मत्स्येंद की समाधि उज्जैन में देखने को मिलेगी, कहाँ, उज्जैन में, ठीक है। बाजीराव पेशवा की समाधि अगर बात करें, बाजीराव बाजीराव पेशवा की समाधि, तो ये आपको रावखेड़ी खरगोन में देखने को मिलेगी, ठीक है, याद रखिए। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, तो ये आपको धार जिले में देखने को मिलेगा, किसका, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ है, ये धार जिले में, सल्तनत कालीन मकबरा है, ठीक है। एक आपका है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये भोपाल में देखने को मिलेगा, किसका, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में, जो आपकी राजधानी है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। गिरधारी बाई की समाधि, ये इन दो पॉइंटों को याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, जो गिरधारी बाई थी ये आप जानते हैं कि रानी अवंती बाई की सहायिका हुआ करती थी,
ठीक है, और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका हुआ करते थे। तो दोनों को याद रखिए। गिरधारी बाई की समाधि की अगर बात करें तो कहाँ है इनकी गिरधारी, तो इनकी है आप देखेंगे मंडला में देखने को मिलेगी, ठीक है, मंडला में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि झलकारी बाई, झलकार बाई या झलकारी बाई की समाधि, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहाँ है, ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपसे पूछे कि मल्हार, मल्हार राव होलकर की समाधि, तो ये आपको आलमपुर भिंड में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी आप लोग। महाराजा छत्रसाल की भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, छत्रसाल साहब की, महाराजा छत्रसाल, तो इनकी समाधि कहाँ है, तो ये आप ये याद रखिए, छतरपुर जिले में पड़ती है, और आप जानते हैं कि धोबेला है, धोबेला यही है, ठीक है। इस तरह के वन डे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बन चुके हैं, तो ये आपकी काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि समाधियाँ हो गई, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ आपके क्वेश्चंस जो मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं ना, उनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि एक आपकी गुफा का नाम है भीमबेटका, और इससे कई बार क्वेश्चंस आपके पूछ लिए गए हैं, आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और भी आपकी जो भी मध्य प्रदेश के एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या है भीमबेटका, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए किस तरह से लिखना पड़ रहा है, चलिए आप लोग समझदार हैं इतने, तो याद रखिए आपकी उब्दुल्ला गंज रायसेन में पड़ता है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ये किस जिले में पड़ता है, तो रायसेन में पड़ता है, कहाँ, रायसेन में। और इसकी खोज किसने की थी, और जो बिंद पर्वत देखते हैं ना उसी में स्थित है, और इसकी खोज की बात करें तो 1957 में, 1957 में यानी कि आज़ादी के बाद, उनका नाम था, पुरातत्व शास्त्री थे आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, इन्होंने की थी। तो याद रखिए भीमबेटका की खोज किसने की थी, 1957 में की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने, ठीक है, और ये भी आप लोग याद रखिए। और भीमबेटका में आप देखेंगे 500 के करीब गुफाएं देखने को मिलेगी, और इन सभी गुफाओं में आप देखेंगे कि उस समय की जो भी दैनिक जीवनचर्या रही है उसी के चित्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसे आप लोग कह देते हैं लौकिक जीवन के कहानी बताते हैं चित्र, ठीक है। और याद रखिए इन सभी गुफाओं में आप देखेंगे पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है इन्हें, ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें अगर भीमबेटका की गुफाओं में आपको बता रहा हूँ कि 500 के करीब गुफाएं हैं, कुछ आप देखते हैं कि खास गुफाएं भी हैं उनके भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। एक गुफा का नाम है, क्या है इसका नाम है, मैदालेनीय गुफा, और याद रखिए कहा जाता है कि ये यूरोप की, अगर डेटिंग के हिसाब से बात करें तो यूरोप के कई शास्त्र, एक तरह से जो भी आपके जो पुरातत्व शास्त्री रहे उन्होंने कहा है कि ये इसकी एज रही है, इसका समय रहा है 12,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के है ये चित्र, ठीक है। एक आप इसी में देखेंगे आप लोग भीमबेटका में, एक है आपका वराह गिरी, क्या है, वराह गिरी, तो इसके बारे में याद रखिए वराह गिरी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी वराह गिरी, ये वराह गिरी शैल गुफा, तो इसका नामकरण विशाल का जो वराह के आधार पर किया गया है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंगली एक और आपको देखने को मिलेगी, यही कौन सी है, एक आपकी है बड़ा रंग महल, बड़ा रंग महल, इसे भी आप लोग याद रखिए। बड़ा रंग महल की बात करें तो ये भी आपकी भीमबेटका में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इसमें एक चित्र बनाया गया जिसमें आप देखेंगे पेड़ पर चढ़ता मानव, पीठ पर एक टोकना है, जो मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं आप लोग, उसी को तोड़ने का एक तरह से प्रयास करते हैं। आज भी तो आप देखते हैं मधुमक्खी शहद आप लोग खाते होंगे, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा हूँ। एक यहीं आपका छोटा महल भी देखने को मिले जाएगा, छोटा महल, तो इसके बारे में अगर हम बात करें छोटा रंग महल या छोटा महल, ठीक है, तो
तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यह युद्ध चित्त के यहाँ चित्त आपको देखने को मिलेगा, घुड़सवारी भी करते हुए दिखाया गया है कई चित्रों में, ठीक है। एक आप देखेंगे मुर्दा टोंग, मुर्दा टोंग ये भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, ये सभी भीमबेटका में है, ठीक है, याद रखिए टोंग। तो इसकी बात करूँ तो ये भीमबेटका का ताम्रपाषाण काल का स्थान है यहाँ, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और अगली गुफा है आपकी उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, इनके बारे में याद रखिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि विदिशा जिले में पड़ती हैं, कहाँ, विदिशा जिले में, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे इसे इसका प्राचीन नाम नीचोगिरी भी कहते हैं इसे, और ये सभी गुफाएं आपको देखने को मिलेगी गुप्त काल की हैं, ठीक है, गुप्तकालीन मानी जाती हैं। और जो आपकी गुफा यहाँ एक 20 गुफाएं देखने को मिलेंगी, 20, एक और 20 आपकी जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आप याद रखिए। जो गुफा क्रमांक आपकी 5 है ना, ये आपकी वराह अवतार की विशाल प्रतिमा इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आप लोग सुनते हैं आदमगढ़ के शैलाशय, आदमगढ़, तो ये कहाँ पड़ते हैं बताओ, आदमगढ़ के शैलाशय, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी होशंगाबाद जिले में पड़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं एच से क्या होता है, होशंगाबाद, ठीक है। और यहाँ भी आपको काफ़ी चित्रित गुफाएं भी देखने को मिलेगी। एक है आपकी भड़थरी, भड़थरी की गुफाएं, इसकी बात करें तो ये किस जिले में पड़ती है, उज्जैन में, कहाँ, उज्जैन में। ऐसा माना जाता है कि जो राजा भड़थरी थे ना, उन्हीं की एक तरह से सम्मान में परमार शासकों ने इसे बनवाया था, ठीक है, यहाँ भी आप लोग याद रखिए। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना, टोटल यहाँ 9 थी जिनमें से 5 सही अवस्था में बची हुई, बाकी एक तरह से नष्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ आप लोगों को गढ़ कालिका देवी के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, नाथ समुदाय संप्रदाय भी यहाँ जुड़ा रहा है, बुद्ध काल भी, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आप सुनते हैं बाघ की गुफाएं, इनसे भी आपका, इससे भी आपका कई बार क्वेश्चंस बन चुका है, बाघ की गुफाएं, तो ये आपकी इंदौर झाबुआ मार्ग पर पड़ती हैं, तो याद रखिए ये आपकी विंध्याचल पहाड़ी में देखने को मिलेगी, बाघ नदी है एक उसी के पास, ठीक है, ये भी आपकी बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ भी आपकी टोटल 9 गुफाएं रही हैं जिनमें से 5 ही सही सुरक्षित बची हुई हैं, और इनका समय भी आप देखेंगे गुप्तकालीन ये गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखिए भी। और इसकी अगर खोजकर्ता की अगर आपसे पूछी जाए कि खोजकर्ता कौन रहा है, तो डोंगर फील्ड 1818 में, इस नाम को भी याद रखिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके बन जाता है, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा फेस्को मुगल पेंटिंग भी यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। पहली गुफा आप देखेंगे इसमें, बाकी गुफाओं में तो जो ग्रह गुफा कहलाती है, दूसरी गुफा देखेंगे तो इसे पंच पांडु भी कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल, पांचवी गुफा को पाठशाला, ठीक है, इनसे संबंधित है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ ले आपसे, ठीक है। फिर आप लोग सुनते हैं पंचमढ़ी की गुफाएं, पंचमढ़ी यहाँ भी गुफाएं देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में अगर बात करूँ तो ये आप जानते हैं पांडव गुफाओं जैसी 5 गुफाएं यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक आपकी देखते हैं शंकराचार्य की गुफाएं, क्या शंकरा, एक तो पेन की तरह बिल्कुल नहीं चलता है डिजिटल पेन है, शंकराचार्य की गुफाएं, ठीक है, तो इसकी बात याद रखिए। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर देखा है, वहीं पड़ती हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। जो आप देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं शिव की आराधना की थी। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है कि अद्वैत दर्शन के प्रेरिता कौन रहे हैं, तो शंकराचार्य, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनके बारे में कई कहानी भी आप लोग सुनते रहते हैं कि जब शिव भगवान की आराधना कर रहे थे तो जो नर्मदा नदी है ना, इसमें भीषण बाढ़ आई हुई थी, तब कहते हैं कि शंकराचार्य ने अपने तप के प्रभाव से ही इस बाढ़ को एक तरह से अपने कमंडल में थाम लिया था, ये भी इस तरह की कहानी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। एक आप सुनते हैं सिलहारा गुफाएं, सिलहारा की गुफाएं, ये कहाँ पड़ती हैं, किस जिले में पड़ती हैं,
तो याद रखिए अनूपपुर ज़िले में पड़ती हैं, ठीक है, अनूपपुर ज़िले में। एक आप सुनते हैं पहाड़गढ़ की गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं, ये कहाँ है आपकी पहाड़गढ़ की गुफाएं? ये आपको याद रखना चाहिए मुरैना ज़िले में पड़ती हैं, आसन नदी, आसन नदी, ठीक है, याद रखिए। और इन्हें माना जाता है कि जो भीमबेटका गुफाएं हैं ना, उसी के समकालीन माना जाता है। इन गुफाओं में आप देखेंगे पुरुष, महिला, चिड़िया, पशु शिकार या फिर नृत्य डांस करते हुए चित्र दिखाई गए हैं, चित्र बने हुए हैं, ठीक है। माड़ा की गुफाओं की बात करें तो माड़ा की गुफाएं कहाँ हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ, सिंगरौली ज़िले में, कहाँ, सिंगरौली ज़िले में, ठीक है, रीवा संभाग में एक ज़िला पड़ता है सिंगरौली, उसी में देखने को मिलेगी। ये सभी आपकी माड़ा की गुफाएं भी आपकी याद रखिए बुद्धकालीन ही है। इन गुफाओं में कुछ आपकी देख सकते हैं जिन्हें विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, जल जालिया माड़ा, रावण गुफा, और ये भी माना जाता है कि जो विवाह माड़ा है ना, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और सीता का विवाह इसी में हुआ था, ठीक है, उन्हीं के विवाह से संबंधित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछ लिया है और आप लोग चर्चा में भी सुनते होंगे, बिलोवा की गुफाएं, बिलोवा की गुफाएं ये कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगी। और आप सभी जानते हैं कि बिलोवा जो नगर है ना, ये पान की खेती के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये सभी गुफाएं आप देखेंगे 11वीं-12वीं शताब्दी की बताई गई हैं। यहाँ सैल के जेब सैप प्रतिमाएँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सिद्धेश्वर मंदिर भी यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी है अगला है मेगेंद्रनाथ की गुफाएं, मेगेंद्रनाथ की गुफाएं ये कहाँ है, मेगेंद्रनाथ की गुफाएं बताइए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ है, रायसेन में, ठीक है, पाटनी गाँव है ना उसी के पास देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी आपकी देखेंगे एक तरह से जो भीमबेटका गुफाएं हैं ना उसी के समान है, उसी के आसपास, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भी आप देखेंगे हर ज़िले में आप लोगों को लगभग गुफाएं देखने को मिलेगी, लेकिन जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन वो आपकी यही थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ आप देखेंगे आपकी स्थल भी हैं, जैसे आप देखते हैं एक इंद्रगढ़ के बारे में भी आप लोग सुनते रहते होंगे, ये पुरातात्विक स्थल है आपकी, क्या, इंद्रगढ़, तो इसके बारे में क्या है, क्या पॉइंट याद रखना है, ये तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि मंदसौर ज़िले में पड़ता है और यहाँ से आपको नन्नप जो राष्ट्रकूट राजा हुआ करता था उसके शिलालेख भी मिले हैं और राजपूतकालीन अवशेष भी यहाँ से काफ़ी मिले हुए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक कसरावद के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, इसके बारे में क्या पॉइंट है आपको परीक्षा में बनने लायक, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए खरगोन में है और जो नर्मदा नदी है ना इसी के तट पर है, ठीक है, तो ये भी आप लोग, और यहाँ से कसरावास से आप देखेंगे बौद्ध स्तूप, निवास ग्रह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेदभान मिट्टी की बनी वस्तुएँ भी, धातु की बनी वस्तुएँ, आहट सिक्के भी, पत्थर की बनी वस्तुएँ और काफ़ी शिलालेख भी यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ आपके और भी स्थल हैं इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। एक है आपका त्योथर, क्या है, त्योथर ये कहाँ है, तो त्योथर के बारे में बात करूँ तो ये रीवा ज़िले में पड़ती है और याद रखिए यहाँ से आपको बौद्धकालीन अवशेष देखने को मिलेंगे, त्योथर आपका रीवा ज़िले में पड़ता है, बौद्धकालीन अवशेष यहाँ से देखने को मिलेगा। एक आप सुनते हैं जटकारा, जटकारा, ठीक है, जटकारा या जटकारा, तो याद रखिए ये आपकी छतरपुर ज़िले में पड़ती है और यहाँ मंदिर के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है, मंदिर टेंपल, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं खेड़ीनामा, खेड़ीनामा, तो इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना लायक है, ये आपको याद रखना चाहिए होशंगाबाद में है, यहाँ से आपको ताम्र सभ्यता के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग। एक है आपका डांग वाला, डांग वाला, तो इसके बारे में आपसे बात करूं मैं तो आपको याद होना चाहिए कि ये उज्जैन में पड़ता है और यहाँ से आठ कई मेदभांड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, उज्जैन में है आपका डांग वाला। एक आपका कलश्या,
इसके बारे में भी याद रखिए, कलस्या, तो ये आपका उज्जैन में पड़ता है, प्राचीन सभ्यता के यहाँ से भी आपको साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कुछ आपकी जलप्रपात भी हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, जलप्रपात से आते हैं या नहीं आते हैं जलप्रपात से क्वेश्चंस। तो जलप्रपात के बारे में बात करें तो एक चचाई जलप्रपात के बारे में आप लोग जरूर सुनते होंगे, और कई बार क्वेश्चंस भी आ चुका है चचाई जलप्रपात। इसके बारे में सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए कि ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, एक तरह से सबसे ऊंचाई पर, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी 130 मीटर है, 130 मीटर, और सबसे ज़रूरी है कि इससे मीटर में मतलब इसकी ऊंचाई ना पूछे, लेकिन आपसे पूछेगा कि किस नदी पर है चचाई जलप्रपात, या मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर जलप्रपात कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना होगा चचाई जलप्रपात, और वीअड़ नदी पर है, ठीक है, वीअड़ नदी पर है, रीवा के पास ही, ठीक है। एक आप सुनते हैं केवटी और बहुरी जलप्रपात, केवटी, और एक है आपकी बहुटी, बहुरी जलप्रपात। तो याद रखिए ये दोनों आपके महाना नदी है ना, जो उसी पर पड़ते हैं, ठीक है, याद रखिए। एक आपका धुआंधार भी आप लोग सुनते हैं, क्या है धुआंधार, ये मैन मैन है, वरना आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे हैं धुआंधार। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भेड़ाघाट नाम पड़ा, यहाँ आप देखेंगे भृगु ऋषि की कर्मस्थली भी रहा है, इसीलिए भेड़ाघाट भी पड़ गया। ये जबलपुर के पास देखने को मिलेगा आपको भेड़ाघाट में, और नर्मदा नदी पर है, धुआंधार आपका नर्मदा पर है। कई बार पूछ लेता है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बहाती है, तो याद रखिए इसे। और कपिलधारा, कपिलधारा, और दूसरा है आपका कौन, कपिलधारा और दुग्धधारा, दुग्धधारा, ये दोनों भी आपकी किस पर, नर्मदा ही नदी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग अमरकंटक से निकलने के बाद, ठीक है, अमरकंटक के आसपास हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। और आपको सीधी सी बात याद रखना चाहिए, धुआंधार हो गया, कपिलधारा हो गया, दुग्धधारा हो गया, मंदधारा हो गया, ये सभी आपके इन्हीं पर देखने को मिलेगा, सहस्त्रधारा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। चुलिया जलप्रपात के बारे में भी पूछ लेता है, चुलिया जलप्रपात, तो ये आपका चंबल नदी पर पड़ता है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ठीक है। भैंसरोगढ़ मंदसौर में देखने को मिलेगा, ठीक है, मंदसौर में, ये भी आप लोग, और किस पर, चंबल पर, ठीक है, चंबल के डाकू आप लोग सुने हो, उन्हीं पर एक तरह से पड़ता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपके मेलों से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार, तो वैसे मेलों के बारे में आपको क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, डायरेक्ट बता दूं मैं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट ही बताने में फ़ायदा भी है, ठीक है। तो एक तरह से आप लोग सुन लीजिए कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले लगते हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे, और मेले आप लोग जाते भी होंगे, जिन्हें आप लोग पर्व भी कह देते हैं, उर्स भी कह देते हैं, मेले एक तरह से वही होते हैं, ठीक है, मेले उर्स एक तरह से घूमने लायक ही आपको जगह रहती है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं आपके उज्जैन संभाग में, और सबसे कम मेले लगते हैं आपके होशंगाबाद संभाग में, ठीक है, ये भी आप लोग क्वेश्चंस बन सकता है। अगर आप मुझे से पूछे कि मध्य प्रदेश में किस संभाग में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, तो यू से उज्जैन, और सबसे कम एच से होशंगाबाद, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए कि एक आप सुनते हैं सिंहस्थ कुंभ, सुने हो कि नहीं सुने हो, कौन सा, सिंहस्थ कुंभ के बारे में मुझे लगता है कि सुने तो होगे। तो आप जानते हैं कि सिंहस्थ आपका कुंभ जो लगता है, ये आपका 12 साल में एक बार लगता है यहाँ, ठीक है, और चार जगह लगता है, कहाँ कहाँ लगता है ये आप लोग बताइए। तो याद रखिए सिंहस्थ के बारे में बात करूँ तो ये छिपरा नदी के तट पर पिति 12 वर्ष बाद लगता है,
और आप देखते हैं 6 साल बाद लगता है अर्धकुंभ, ठीक है, याद रखिए। अभी कब लगा था तो आप सभी को मालूम होगा कि 2016 में लगा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगले बार कब लगेगा, तो याद रखिए 2028 में, आप लोग जोड़ के बता सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। लगभग आपका 1 महीने के आसपास लगता है और आप देखेंगे बहुत बड़ा मेला है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मेला यही रहता है, ठीक है, ये भी आप लोग। और याद रखिए आपका सिंहस्थ कुंभ मेला आप देखते हैं इलाहाबाद में भी लगता है, प्रयागराज जिसे आप लोग कहते हैं, समझ रहे हैं, एक आपका हरिद्वार में लगता है और नासिक में लगता है। मुझे तो चारों का मालूम है और चारों मुझे लगता है सही भी हैं, ठीक है, अगर गलती हुआ करे तो बता दिया करिएगा, ठीक है, कभी कभी दिमाग में से निकल जाता है। कुछ आपको बता देते हैं, पॉइंट मैं बता देता हूँ, इन्हें भी आप लोग याद रखिए। मेलों के बारे में बात करें तो एक आप सुनते हैं बाबा गरीबनाथ, बाबा गरीबनाथ का मेला, तो ये कहाँ लगता है, ये आपका लगता है याद रखिए अवंतीपुर बड़ौदिया साजापुर में। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, साजापुर में, और याद रखिए पूरे चैत माह यानी कि मार्च अप्रैल के बीच चलता है, ठीक है। एक आप सुनते होंगे नागा जी के बारे में, नागा जी, ठीक है, इनके बारे में बात करें तो ये आपका पूरे अगहन यानी कि नवंबर दिसंबर में चलता है और ये पोरसा गांव मुरैना है ना वहाँ लगता है। एक आप सुनते हैं वर्मान का मेला, तो इसके बारे में बात करें तो ये पौष माह में मकर संक्रांति के से 13 दिनों तक चलता है जनवरी माह में, और ये गडरवारा तहसील है नरसिंहपुर की वहाँ पड़ता है, ठीक है, याद रखिए। एक है आपका कुंडेश्वर के बारे में आप लोग सुने, काशी कैसे कुंडेश्वर, ये आपका शिवरात्रि हो गई, मकर संक्रांति हो गई, बसंत पंचमी होती है तो शिव मंदिर है यहाँ टीकमगढ़ में, ठीक है, वहीं लगता है आपका, एक आपका जिला है ना टीकमगढ़। और तेजाजी का मेला ये आपका भादो माह में अगस्त दिसंबर में लगता है, और ये आपका भामावाद गाँव ये मुरैना में, माफ़ करिए गुना में पड़ता है, कहाँ, गुना में। तेजाजी आपका गुना में, ठीक है। एक आपका सिंगाजी मेला, ये आपका कहाँ लगता है, कुआयमार में लगता है, और याद रखिए अगस्त सितंबर के बीच, और सिंगाजी गांव है खंडवा में वहाँ लगता है, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। और एक आपका लगता है जागेश्वरी मेला, तो याद रखिए चंदेरी अशोकनगर में लगता है, चंदेरी अशोकनगर में, और आपको याद होना चाहिए कि चैत माह में लगता है जब आपकी गेहूं की फसल की कटाई होती है। हीरा भुरिया का मेला, ये आपको मालूम है कि भाद माह में अलग अलग तिथियों में लगता है, और ये आपका ग्वालियर और गुना लगता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आपका कान्हा बाबा का मेला लगता है, शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा को आप देखते हैं कान्हा बाबा का मेला लगता है, और सबसे ज़रूरी है कि कहाँ लगता है, तो ये आपका सोडलपुर जिला हरदा में लगता है, ठीक है, कान्हा बाबा का मेला हरदा में। बड़ौनी का मेला, तो ये आपका शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा को लगता है बड़ौनी दतिया में, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन से पूछेगा कि बड़ौनी का मेला कहाँ लगता है, तो दतिया में, जरूर याद रखा कीजिए। एक आपका महामृत्युंजय लगता है कहाँ, बसंत पंचमी पर और शिवरात्रि पर, ये तो आपको मालूम होना चाहिए रीवा में लगता है, काफ़ी चर्चित भी रहता है। सनकुआ का मेला, एक कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिनों तक चलता है और होशंगाबाद में लगता है, ठीक है, याद रखिए। एक आपका लगता है रामजी का मेला, रामजी बाबा का मेला, तो एक कार्तिक माह का 7 दिवसीय मेला है और मंधाता खंडवा में लगता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एक आपका कालूजी महाराज का मेला ये आपका कहाँ लगता है, पिपल्या खरगोन में, ठीक है, कालूजी के से, ठीक है। अमरकंटक मेला लगता है शिवरात्रि पर, आप जानते हैं ये कहाँ लगता है, अमरकंटक में, अनूपपुर अमरकंटक। जल विहार, तो आप सभी जानते हैं कि जल विहार अक्टूबर माह का 10 दिवसीय मेला होता है और छतरपुर में लगता है, वो काफ़ी चर्चा में भी रहता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, छतरपुर में आप लोग होंगे तो जरूर जाते होंगे। सोनागिरी का मेला, ये आपका चैत माह में एकम से पंचमी तक लगता है और सोनागिर दतिया में लगता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। शारदा माह, ये तो मालूम होना चाहिए, मेहर सतना, ठीक है, माघ घोगरा या मठ घोगरा, ये आपका कहाँ लगता है,
यह शिवरात्रि पे 15 दिनों तक लगता है, वो भैरवनाथ सिवनी जिला में लगता है, ठीक है, याद रखिए। रामलीला, रामलीला आप लोग देखने भी जाते होंगे, माघ माह में लगती है, जनवरी फरवरी में, और भांडे दतिया में लगती है। भांडे दतिया में रामलीला काफ़ी चर्चित भी रहती है, कभी मौका मिले तो आप लोग जा सकते हैं। रावतपुरा, रावतपुरा का मेला ये लाहार तहसील है, भिंड में लगता है, ठीक है। रतनगढ़ का मेला ये भी आप लोग सुने होंगे, रतनगढ़ माता के बारे में, तो दीपावली की दोष के दिन लगता है और रतनगढ़ दतिया में लगता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक है आपका चौंधी देवी, और प्रत्येक रविवार को लगता है ये, तो और ये आपका लगता है घोघरा गांव दतिया में, ठीक है। एक आपका धनान भगवान का मेला, ये प्रत्येक रविवार को लगता है उन्नाव उन्नान दतिया में, ठीक है। एक आपका पीर बुधान का मेला, ये आपका अगस्त सितंबर में लगता है भादो माह में, ठीक है, एक दिन का लगता है। और एक गांव है सांवेरा दतिया में, माफ करिए शिवपुरी में, ठीक है। धमौनी अगर हम लोग उर्स की बात करें तो अप्रैल मई में लगता है 15 दिन के लिए, ठीक है, और धमौनी सागर में लगता है ये। और बाबा मस्तान साहब बाली दरगाह का मेला है ये। बाबा साहबुद्दीन ओलिया का उर्स ये फरवरी में लगता है आपका, और नीमच में, ठीक है, नीमच में। वेडनी का मेला राई नित्य, वेडनी समझते हैं, हनुमान जयंती पर लगता है करीला में, ये भी काफ़ी चर्चा रहता है, बुंदेलखंड में पड़ता है। पूनम का मेला एक कार्तिक माह में लगता है, जाना पाओ जो कुटी है ना महू इंदौर में, वहाँ लगता है, ठीक है। समरी कुंभ, इसके बारे में याद रखिए, प्रतिवर्ष नर्मदा तट पर लगता है अमरकंटक और अनूपपुर जिले में, ठीक है। उन्नान का मेला ये आपका बालाजी मंदिर दतिया में लगता है, ठीक है। तो इनसे आपकी अगर एक तरह से क्वेश्चंस पूछे जाए अगर, तो इन्हें आप लोग आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, मेलों से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन एक बार रिवीजर के लिए मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ पॉइंट और बता दिए जाएँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना भी रहेगी। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कुछ आपके पर्यटन स्थलों के बारे में, आप लोग सुन लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। इसमें आप लोगों को वैसे बता चुका हूँ पीछे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो महाकालेश्वर स्थल कहाँ है, ये आपका उज्जैन में पड़ता है, और आप देखते हैं कि ज्योतिर्लिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ओंकारेश्वर एक आपका खंडवा में पड़ता है, कहाँ, खंडवा में, और ये भी आपका ज्योतिर्लिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। महेश्वर ये आप जानते हैं खरगोन में पड़ता है, और आप जानते हैं कि यहाँ आपका शिवलिंग सहस्त्रधारा जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। मांडू, मांडू आपका धार में पड़ता है, मांडू धार में, ठीक है। यहाँ आप लोग देखते हैं कि बता चुका हूँ कि जहाज महल, रानी रूपमती का महल, जामा मस्जिद है, डोला महल। भोपाल, भोपाल में ही यहाँ आप लोग ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, भारत भवन, मानव संग्रहालय, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, रायसेन में। यहाँ आप लोगों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में भी, स्थलों की सूची में भी आपका जोड़ा गया है भीमबेटका को, रायसेन जिले में पड़ती हैं। यहाँ प्राचीन शैलचित्र आपको देखने को मिलेगी। सांची की बात करें तो ये रायसेन में है आपका, और ये बौद्ध स्तूप संबंध, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। पंचमढ़ी ये होशंगाबाद में पड़ता है आपका, और यहाँ से आप देखेंगे जटाशंकर, पांडव गुफाएँ कई देखने को मिलेंगे। भेड़ाघाट कहाँ है आपका, जबलपुर में, ठीक है, जलप्रपात है। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में। और याद रखिए नर्मदा सोन जोहिला नदियों का संगम है, इन तीन नदियों के बारे में जरूर याद रखिए। यहीं आप देखेंगे कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा प्रपात भी बनता है। ब्राइट सफारी ये सतना में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सफ़ेद बाघों के लिए काफ़ी मुकुंदपुर है ना, वो चर्चित रहता है। चित्रकूट ये भी आपका सतना में देखने को मिलेगा, ठीक है। खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। यहाँ मंदिर है आप चंदेल शासकों के। चंदेरी अशोकनगर में पड़ता है, और चंदेरी आपका साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ओरछा निवाड़ी जिले में पड़ता है, ओरछा निवाड़ी जिले में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आपके लिए और भी पॉइंट थोड़े हैं, देखिए ये सभी बता चुका हूँ पीछे, ज़्यादा परेशान मत होना है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन का एक तरह से आप समझ सकते हैं, ले लीजिए आप लोग। कुछ आपके स्मारक भी हैं जिनमें आप देखेंगे, भीमा नायक स्मारक कहाँ है, धुआ धुआवा
बावड़ी बड़वानी में, भीमा नायक स्मारक कहाँ है बड़वानी में, टांड्या टांड्या भील स्मारक बड़ौदा खंडवा में, ठीक है। और आपसे अगर पूछे तात्या टोपे स्मारक तो शिवपुरी में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। सौर स्मारक भोपाल में, सौर स्मारक भोपाल में, देवी अहिल्या स्मारक इंदौर में, इंदौर में, ठीक है। शहीद पार्क रामप्रसाद बिस्मिल का जन्मस्थली क्या रहा है, मुरैना, मुरैना, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनसे अगर क्वेश्चंस आए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चंस देखिए गुफाओं के बारे में जरूर पूछता है, एक दो मैं देख रहा हूँ कि कई सालों से क्वेश्चंस आपके गुफाओं से भी आ रहे हैं परीक्षाओं में। तो भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं रायसेन में, और आप सभी जानते हैं कि विश्व धरोहर स्थलों में सूचित में शामिल किया गया है। पार्वती की गुफाएं, ये भी आपकी रायसेन में देखने को मिलेगी, ये आपकी हिंदू जैन धर्म से संबंधित हैं। मैगेंद्रनाथ की गुफाएं, ये भी आपको रायसेन में देखने को मिलेगी, ये आप 2009 में इसका पता चला था, ठीक है। और भरतथरी की गुफाएं, ये आपकी उज्जैन में देखने को मिलेगी। और मत्स्येन्द्र की गुफाएं, ये आपकी उज्जैन में, नाथ संप्रदाय का आस्था केंद्र भी है। कालिया देह की गुफाएं, ये भी उज्जैन में छिपरा नदी के तट पर। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं, और हिंदू जैन धर्म से संबंधित हैं ये, ठीक है। और खंडगिरी की गुफाएं, ये भी आपकी विदिशा में ही पड़ेंगी, ये बौद्ध जैन धर्म से संबंधित हैं। बाघ की गुफाएं, ये आप देखेंगे बाघ की गुफाएं आपकी धार जिले में पड़ेंगी और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोहानी गुफाएं धार में पड़ेंगी, मुगल काल से संबंधित हैं। सात कोटिरी की गुफाएं, सात कोटिरी की गुफाएं ये आपकी धार जिले में पड़ती हैं, धार्मिक गुफाएं ही। आदमगढ़ की गुफाएं ये आपकी होशंगाबाद जिले में पड़ती हैं, और आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक शैलचित्र देखने को मिले। पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। बिलोवा या बिलोवी की गुफाएं ये ग्वालियर में देखने को मिलेगी आप लोगों को। मारा की गुफाएं ये आप लोगों को सिंगरौली में देखने को मिलेगी। शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर में देखने को मिलेगी, ठीक है, याद रखिए। कबरा की गुफाएं ये आप लोगों को, कबरा की गुफाएं देखने को मिलेगी राजगढ़ जिले में, ठीक है। और आप देखिए लिखी राज की गुफाएं मुरैना में आसा नदी के तट पर, ठीक है। और फिर आप देखेंगे लिखी छाज की गुफाएं, ये भी आपकी मुरैना में ही, करसा मुरैना में, ठीक है, प्रागैतिहासिक गुफाएं। सिद्ध राज की गुफाएं ये टीकमगढ़ जिले में, और चंद्रशेखर आज़ाद गुफा ये भी टीकमगढ़ जिले में, ठीक है। सारो मारो की गुफाएं ये सीहोर जिले में, मौर्यकालीन गुफाएं हैं। और आपको याद रखना चाहिए काजल रानी की गुफाएं, काजल रानी की गुफाएं खंडवा जिले में, और धार्मिक महत्व की ये प्राकृतिक गुफाएं। सत्यमत्तिका गुफाएं खंडवा जिले में, धार्मिक महत्व की ये गुफाएं। श्री गोविंद भगवत पाद गुफाएं ये भी खंडवा आपके जिले में, धार्मिक महत्व की हैं ये भी। लिखी दांत गुफाएं ये चंदेरी में आपका है, ठीक है। और लखवारिया गुफाएं ये आपकी शहडोल में। भुई माड़ की गुफाएं ये सीधी में। धर्म राजेश्वर की गुफाएं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगी मंदसौर में, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। धमनार की गुफाएं ये मंदसौर में आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। झिंझिरी की गुफाएं ये कटनी जिले में देखने को मिलेगी। रॉक शेल्टर की गुफाएं सागर जिले में देखने को मिलेगी। आपचंद की गुफाएं ये भी सागर जिले में। नवेरी की गुफाएं ये आप देखेंगे भोपाल में, प्रागैतिहासिक धार्मिक गुफाएं हैं। और मोपाली छोटा महादेव की गुफाएं ये बैतूल जिले में धार्मिक गुफाएं हैं। अंबाबाई की गुफाएं ये बैतूल जिले में, ये भी धार्मिक से जुड़ी हुई हैं। गुनी की गुफाएं ये आप लोगों को याद होना चाहिए, सिवनी जिले में हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं ये, ठीक है। और पहाड़गढ़ की गुफाएं ये छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी, ये भी धर्म विशेष से जुड़ी हुई है। गुप्तेश्वर की गुफाएं ये छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी, ये प्राकृतिक गुफाएं हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ ये गुफा कहाँ पड़ती है, किस जिले में। जगदीश पहाड़ी की गुफाएं सतना जिले में, ठीक है, प्राकृतिक गुफाएं। आलाउदल की गुफाएं मेहर सतना में, आलाउदल की गुफाएं मेहर सतना में, बहुत टाइम तक ये माना जाता है कि मेहर के आसपास इन्होंने समय गुजारा। 11वीं-12वीं शताब्दी की ऐतिहासिक गुफाएं। जामवंत एवं घोड़ा मोड़ा गुफा ये डिंडोरी जिले में पड़ती है, ठीक है, प्रागैतिहासिक गुफाएं।
और आपको बता चुका हूँ वैसे किलों के बारे में भी, फिर भी ये बता रहा हूँ कि एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। चंदेरी की गुफाएं, माफ करिए, चंदेरी का किला, गुफाएं बड़ी याद आ रही हैं अशोक नगर में जिले में। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। राजमहल, ये भी अशोक नगर में। अजयगढ़ दुर्ग पन्ना में, ठीक है, और गुमान सिंह ने बनवाया था। रायसेन दुर्ग, ये रायसेन में, आप लोग नाम ही से मालूम चल रहा है। गिन्नौर गढ़ का दुर्ग रायसेन में। सबलगढ़ का किला मुरैना में, सबलगढ़ का किला कहाँ है, मुरैना। विजयपुर का किला शिवपुर में। हुसैन साय महल, हुसैनपुरा महल मुरैना में। गोहद का किला भिंड में, गोहद भिंड। भिंड का किला भिंड में, ठीक है। मोती महल, मोती महल ग्वालियर। जहांगीर महल ग्वालियर। शाहजहां महल ग्वालियर। करण महल ग्वालियर, करण महल ग्वालियर। विक्रम महल ग्वालियर, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। करेरा का किला, ये शिवपुरी जिले में पड़ता है, ठीक है। हवा महल, ये आपका शिवपुरी में। पिछोरा का किला, ये भी आपका शिवपुरी में। कछुआ गढ़ी, ये भी आपका शिवपुरी में, ठीक है। सनोआ, सनोधा किला, ये सागर में। रेहली का किला, ये भी आपका सागर में। मालथौन का किला, ये भी आपका सागर में। गड़ाकोटा किला, ये भी सागर में। राहतगढ़ का किला, ये भी आपका सागर में। खिमलासा, खिमलासा किला सागर में। गोर, झामर किला, ये भी आपका सागर में। देवरी का किला, ये भी सागर में। सिंगौरगढ़ का किला, ये आपका दमोह में। मुड़ियादो किला, ये आपका मुड़ियादो किला है कहाँ, दमोह में। जटा, जटाशंकर किला, ये आपका दमोह में। दमोह की गढ़ी, दमोह में। हिंदूपत महल पन्ना में। धुवेला महल छतरपुर में। देवरा का किला छतरपुर में। गुलगंज, गुलगंज का किला छतरपुर। और किशनगढ़ किला छतरपुर। ओरछा निवाड़ी, राजा महल ओरछा निवाड़ी। शीश महल ओरछा, महल ओरछा निवाड़ी। तालकोटी महल, एक ओरछा में निवाड़ी में। जहांगीर महल, ये भी आपका ओरछा निवाड़ी में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। हिम्मा हमीर की कोठी ओरछा निवाड़ी में। वारेलाल की कोठी ओरछा निवाड़ी में। प्रवीण राय महल ओरछा निवाड़ी। पालकी महल ओरछा निवाड़ी। और सुंदर साहे का महल ओरछा निवाड़ी। नौनेजू की हवेली, ये भी ओरछा निवाड़ी। फसेयानी की हवेली ओरछा निवाड़ी। जुझार सिंह का महल ओरछा निवाड़ी, ठीक है, याद रखिए। और आप देखेंगे तोपची हो, ये भी आपका तोपची की हवेली ओरछा। हाथी साव का महल ओरछा। बलदेवगढ़ का किला कहाँ पड़ता है, ए टीकमगढ़ जिले में। ठाकुर, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, ये आपका मंदसौर में। हिंगलाज दुर्ग मंदसौर, ठीक है। क्राउन महल रतलाम, और आपका सैलाना महल ये रतलाम। साजा जो पुर किला है ये शाहजहाँपुर में। ताराबाई महल शाहजहाँपुर में। सिंगौली का किला नीमच। रतनगढ़ का किला नीमच। शीश महल नीमच, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए आपके कुछ हैं, जहाज महल आपका देखेंगे आप लोग, मांडूधार गयासुद्दीन तुगलक से जुड़ा हुआ है। बेसिंह महल दतिया, राजा और सिंह जुझुआ जो दे थे ना उन्हीं से। गुहरमल ये भोपाल में। अटेर का किला चंबल भिंड में, ठीक है, राजा बदन सिंह ने बनवाया था, ये भी आप लोग याद रखिए। तो ये आपका हो जाता है जो धार्मिक पर्यटन स्थल है ना, इनसे क्वेश्चंस आपके पूछता है, और इसमें मुझे लगता है यही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें आपके मेले हो गए, समाधियाँ हो गई, सब कुछ देख लिए लगभग, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे जो आपके मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ना, उनसे जनजातीय जो भी व्यक्ति रहे हैं, जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, उन सब के बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और इनसे भी आपके क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले, उसमें सभी फैक्ट देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसमें भी, ठीक है।